नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आया हूँ अपना मोस्ट फेवरेट चैप्टर आपके हिस्ट्री की बुक का, इतिहास की किताब का, भारत में राष्ट्रवाद। बहुत ही बेहतरीन एंड सिस्टमैटिक तौर पर लिखा हुआ चैप्टर है। इतना अच्छे से लिखा गया है कि अगर आपने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया तो आपको अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्यार हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने मुश्किल से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए, उनको मैंने पॉइंट टू पॉइंट पहले अंडरलाइन कर लिया है। इस वीडियो को बनाने के चार मेजर ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको हर वीडियो में बताता भी हूं। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर करके देना ताकि आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए। और वीडियो पूरा देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, सब्जेक्टिव एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, वीडियो से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। सेकेंड, आपका पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार करके देना, जो आपके टेंथ में तो बहुत ज्यादा यूजफुल है ही, अगर आप में से कोई यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये नोट्स आपके पूरा काम आएगा। थर्ड, हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो लास्ट में दिए होते हैं उनको भी कवर करेंगे। और फोर्थ, हम पूरे चैप्टर को एक फ्लो में समझेंगे जिससे हमें सामाजिक विज्ञान रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम चैप्टर को बहुत सिस्टमैटिक तौर पे पढ़ेंगे ताकि हमें चीजें समझ में आए और हमें पता लग जाए कि आखिर ये स्वतंत्रता हमें किस प्रकार मिली है। बहुत सिस्टमैटिक तौर पे हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना बेहतरीन चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं अपना ये बेहतरीन चैप्टर। देखिए, मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर है ये। और मोस्ट फेवरेट चैप्टर क्यों है, क्योंकि नाइन्थ से अब तक अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो नाइन्थ में हमने क्या पढ़ा, नाइन्थ में हमने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति, फिर हमने पढ़ा रूस की क्रांति, फिर हमने हिटलर के बारे में जाना जो कि जर्मनी, यानी पूरी तरह से यूरोप के बारे में पढ़ा। ऐसे अगर आप टेंथ की बात करो तो टेंथ में भी आपने पहले चैप्टर में यूरोप के बारे में पढ़ा। तो नाइन्थ और टेंथ में अब तक हमने भारत की बात नहीं करी, तो पहला चैप्टर है जिसमें भारत के बारे में बात होगी, अपने देश के बारे में बात होगी, इसलिए मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। और जब आप पूरा वीडियो देख लोगे ना, ये आपका भी मोस्ट फेवरेट चैप्टर बनने वाला है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। आपने देखा यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप में जैसे जैसे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, छोटे छोटे राज्य या देश बनने लगे। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी, वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। यूरोप में क्या हुआ था, लोगों में राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। इसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्र के प्रति लगाव, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो लगाव होता है उसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने लगा, तो छोटे छोटे देश बनने लगे। नए प्रतीकों, चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमा को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया से हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस प्रकार पैदा हुई। तो अब हम बात करेंगे भारत की, कि आखिर भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा कैसे हुई, क्या रीजन थे जिसके कारण भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला हेडिंग यही है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, क्या कारण था, पहला पॉइंट। दूसरे उपनिवेशों की तरह, उपनिवेश कौन थे, जो अंग्रेजों के शासन के अधीन थे। तो भारत जो था 1947 से पहले आपको पता होगा अंग्रेजों के शासन के अधीन थे हम लोग, तो हम लोग उपनिवेश थे। तो दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। तो जैसे जैसे लोगों ने उपनिवेश का विरोध किया, उपनिवेश का विरोध करना स्टार्ट करा, आंदोलन होना शुरू हो गया, तो लोग जुड़ते चले गए। तो उपनिवेशवाद का विरोध करना, एक तरह से अंग्रेजों का विरोध करना, राष्ट्रवाद की पहचान बन गई थी 1947 से पहले। सेकंड पॉइंट, उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। यही मैंने आपसे कहा, मान लीजिए भाई मैं भी अंग्रेज से परेशान हूं, आप भी अंग्रेज से परेशान हो, कोई तीसरा भी अंग्रेज से परेशान है, तो जब तीनों व्यक्ति एक ही या तीनों समुदाय एक ही किसी से परेशान है तो इनके अंदर आपस में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी, या इनके ये आपस में किसी तरह से जुड़ गए, या अंग्रेजों के खिलाफ आपस में जुड़ गए कि चलो हम तीनों एक ही व्यक्ति से परेशान है तो हम आपस में दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन
हर वर्ग और समूह पर उपनिवेश का असर एक सा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। अब अलग अलग समुदाय के राष्ट्रवाद के मतलब अलग थे, मेरे लिए राष्ट्रवाद का मतलब अलग था, आपके लिए राष्ट्रवाद का मतलब अलग था और किसी और के लिए राष्ट्रवाद का मतलब अलग था। तो हर वर्ग और समूह पर उपनिवेश का असर एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग अलग थे। तो हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हम सबको आपस में जोड़ सके और वो आए थे महात्मा गांधी जी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। तो यहां पर हमें चीज समझना पड़ेगा कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उपनिवेश का विरोध करना, जो उपनिवेशवाद थे यानी अंग्रेज थे उनका विरोध करना एक तरह से राष्ट्रवाद का उदय का कारण माना जाता है, क्योंकि हम सब परेशान थे अंग्रेजों से, तो हम सब में दोस्ती हो गई अंग्रेजों के खिलाफ, तो हम सब में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई, राष्ट्र के प्रति भावना पैदा हो गई कि चलो आपस में तो बाद में लड़ लेंगे, पहले अंग्रेजों को भगा देते हैं। तो ये पहला पॉइंट था, ठीक है। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत के में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था, 8th क्लास में आपने भारत में राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। यहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक के आगे अध्ययन करेंगे। अच्छा, राष्ट्रवाद जो है ना वो बहुत लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक दो साल में उत्पन्न नहीं होती, इसके लिए 100 साल 200-300 साल लग जाते हैं। तो यहां पर हम जो पढ़ेंगे वो 1920 के बाद की घटना पढ़ेंगे, समझ रहे हो, याद मत करना, बस याद रखना इस चैप्टर में हम 1920 के बाद जो घटना हुई थी। आपको पता है पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था, वो 1914 से 1918 तक चला था। तो पहले विश्व युद्ध के बाद की घटना हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, यही आपसे कह रहा है। इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे का अध्ययन करेंगे, उसके बाद के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन जो चले थे, कौन कौन से आंदोलन विकसित हुए, क्या कारण था, उसके अलावा सामाजिक समूह कौन कौन से थे, ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट पहले पेज से, मैं क्योंकि आपको हर पेज रिवाइज करता हूं, तो पहले पेज पर हमें क्या मिला, मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं कि पहले पेज पर हमने क्या सीखा। पहले पेज पर हमने सीखा बच्चों कि दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना ये उदय हुआ था उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ, ये एक गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। उपनिवेशक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने उनको विभिन्न समूहों को एक दूसरे के से बांध दिया, लेकिन हर वर्ग और हर समूह का उपनिवेश के असर पर एक जैसा नहीं था, उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी अलग थे। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के नेतृत्व में इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। तो ये पहला पॉइंट आपको यहां से मिल गया कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। नाउ अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज हमारा स्टार्ट होता है पहले विश्व युद्ध का क्या असर पड़ा, ये आपका पॉइंट नंबर 2 पड़ेगा कि पहले विश्व युद्ध का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैंने आपको अभी बताया था उसका क्या असर पड़ा, ये पॉइंट नंबर 2 होगा, ठीक है। तो 1919 के बाद के सालों में यानी 1914 से, देखिए 1914 से 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर चला था, पहला विश्व युद्ध चला था, तो यहां पहले आ गया 1919 यानी पहले वर्ल्ड वॉर के बाद। 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था, उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए, नए नए समाज जुड़ते चले गए और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, इनके क्या परिणाम हुए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे पहला विश्व युद्ध का क्या असर पड़ा भारत पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 है आपका पहले विश्व युद्ध का प्रभाव, इसका पहला पॉइंट, दूसरे का पहला पॉइंट है ये। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। देखो पहला कारण मिल गया, अब जब युद्ध चलेगा तो सीधी सी बात है जो रक्षा व्यय है, जो हथियार है, सेना के जो खर्च है वो बढ़ जाएंगे। तो पहले विश्व युद्ध का पहला प्रभाव यह पड़ा कि रक्षा व्यय में भारी इजाफा हो गया, यानी जो अंग्रेज थे वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे रक्षा के लिए, हथियारों के लिए। सेकेंड पॉइंट, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, लोन लिया गया और करो, करो मतलब टैक्स, टैक्स को बढ़ा दिया गया, टैक्स में वृद्धि कर दी गई। अब आपने रक्षा व्यय को बढ़ा दिया, डिफेंस का जो आपका खर्चा है वो बढ़ गया, तो पैसा कहां से आएगा,
तो पैसे लिए गए कर्जे के रूप में, लोन के रूप में, और लोगों से टैक्स उसको बढ़ा दिया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया, यानी इनकम टैक्स स्टार्ट कर दी गई। पहले भी बात समझाई थी कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है, सरकार के पास पैसा आता है टैक्स से। अब जब रक्षा व्यय बहुत ज्यादा बढ़ गया तो टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा, पैसा कहां से आएगा, तो लोन लिए गवर्नमेंट ने, यानी अंग्रेजों ने क्या करा, लोन लिए, कर्जे लिए, टैक्स को बढ़ा दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दी, आयकर इनकम टैक्स लगा दिया लोगों पर। तो युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, अब कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगी। युद्ध के दौरान जब युद्ध होंगे तो सीधी बात है देश में जो चीजें होंगी उनकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट, 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगुनी हो चुकी थी, चीजों के जो कॉस्ट थे वो डबल हो गए थे, जिसके कारण आम लोग जो थे उसके लिए मुश्किलें बढ़ गई थी। देखिए, हमें सबसे पहले ये समझाना की कोशिश की गई है कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। तो मैंने आपको बताया कि रक्षा व्यय बढ़ गया, सबसे पहला पॉइंट, इससे रक्षा व्यय बढ़ गया तो जो अंग्रेज थे उनको कर्ज लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा, लोगों के टैक्स बढ़ाने पड़े, सीमा शुल्क बढ़ाना पड़ गया, आयकर बढ़ाना पड़ गया, कीमतें जो थी वो तेजी से बढ़ने लगी थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतें कितनी हो गई, डबल हो गई, जिसके कारण आम लोग जो थे उनकी मुश्किलें बढ़ गई, भाई कॉमन पीपल है उनकी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि जो चीजों की कीमत थी वो बढ़ चुकी थी। और क्या हुआ, तो नेक्स्ट पॉइंट है, गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। अब लड़ाई हो रही थी तो सेना कहां से आएगा, तो सेना भर्ती उन्होंने क्या करा, जबरन भर्ती करना शुरू करा। अंग्रेजों ने गांव में जाकर सिपाहियों को जबरदस्ती सेना में शामिल कर लिया, इससे जो ग्रामीण इलाके के लोग थे वो भी गुस्सा हो गए। पहले तो शहर के लोग गुस्सा थे अंग्रेजों से, अब ग्रामीण इलाके के लोग भी गुस्सा होने लगे, क्योंकि उनके जो जवान बच्चे थे उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया और उनको भेजा गया। 1918, 1919, 1920, 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। अब उसी समय क्या हुआ, 1918, 1919 और 1920, 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल जो थी वो खराब हो गई। अब फसल खराब हो जाएगी तो खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो जाएगी देश के अंदर। उसी समय एक और इफेक्ट हुआ, फ्लू फैल गई, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण, इस बीमारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो एक साथ कई घटना हुई, समझ रहे हो, एक साथ कई घटना हुई। पहला विश्व युद्ध तो चलो ठीक है 1914 से 1918 के बीच खत्म हो चुका था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ा, मैं एक बार जल्दी से आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। एक बार इसको हटा देता हूं, साफ कर देता हूं, आपको जल्दी से बताता हूं क्या क्या प्रभाव पड़ा। पहला, विश्व युद्ध के ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, इसके कारण रक्षा व्यय भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर इनकम टैक्स शुरू कर दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ गई, 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोग बहुत परेशान थे। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण जो लोग थे वो व्यापक गुस्से में थे। 1918, 1919, 1920, 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल भी खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की जो कमी थी वो भी उत्पन्न हो गई। इसके अलावा उसी समय एक फ्लू फैल गया, जिसके कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। तो ये पहले विश्व युद्ध का प्रभाव था, पहले विश्व युद्ध के बाद की घटना थी कि भारत में क्या हुआ था। नाउ, लोगों को उम्मीद थी कि चलो युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी। अब लोगों को उम्मीद था कि चलो ठीक है युद्ध खत्म होगा तो उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, ठीक है युद्ध खत्म हो गया अब जो होना था हो गया। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। और वो नया नेता कौन थे, तो वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। तो यहीं पर हमारा पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा डिटेल पहले समझ लो। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। कब लौटे, तो जनवरी 1915 में वो भारत लौटे। कहां से लौटे, तो दक्षिण अफ्रीका से। सेकंड पॉइंट, इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे, वहां वकालत कर रहे थे वो। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की
नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। आपको याद है नस्ल भेदी सरकार, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, नाइन्थ क्लास में नस्ल भेदी सरकार पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया था गोरे लोग काले लोग, जो दक्षिण अफ्रीका में कानून बना हुआ था गोरे लोग और काले लोग के बीच में नाइन्थ क्लास में। तो महात्मा गांधी ऑलरेडी लड़ चुके थे, महात्मा गांधी ऑलरेडी सफलतापूर्वक विद्रोह कर चुके थे नस्ल भेदी सरकार अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में। तो यहां पर हमें पॉइंट नंबर तीन समझ में आ गया कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे, तो जनवरी 1915 में लौटे। कहां से लौटे? दक्षिण अफ्रीका से लौटे। अच्छा, वहां पे वो उन्होंने क्या किया था? तो वहां पे उन्होंने जन आंदोलन किया था, किसके खिलाफ? तो नस्ल भेदी सरकार यानी अंग्रेजों के खिलाफ, पहले ही वो लोहा ले चुके थे। अब आपका पॉइंट नंबर चार स्टार्ट होगा, सत्याग्रह का विचार। अभी सत्याग्रह का विचार क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह क्या होता है, या सत्याग्रह से आप क्या समझते हो? इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। तो ये सत्याग्रह क्या है, क्या होता है सत्याग्रह? तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता हूं सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। पॉइंट नंबर चार हो गया सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। यानी हमें ये बताया जाता है कि आप सत्य बोलो या सत्य की खोज करो, सत्य के साथ दो। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच्चे हो और सच्चे मन से संघर्ष करना चाहते हो ना, तो आपको शारीरिक बल यानी किसी हथियार की जरूरत नहीं है, आपको किसी हथियार की शारीरिक बल की आवश्यकता ही नहीं है। सत्याग्रह का मतलब यह था प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना, यानी बिना लड़ाई किए बिना, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे यानी बिना हिंसा किए भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। गांधी जी कहते थे कि अगर आप प्रतिशोध की भावना या आक्रामक का सहारा लिए बिना, बिना लड़े, आप सत्याग्रही के, जो सत्याग्रही लोग होते हैं वो बिना लड़े केवल अहिंसा के सहारे भी आप संघर्ष में सफल हो सकते हैं, लड़ाई में सफल हो सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए, उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को दिखाने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी जिसके खिलाफ, अगर आपका ये शत्रु है और आप इसके खिलाफ लड़ना चाहते हो, तो शारीरिक बल से मत लड़ो, इसको सच्चाई का अनुभव कराओ, इसको सच्चाई का अनुभव कराओ। आप अपने शरीर से मत लड़ो, हथियार से मत लड़ो, इसको सच्चाई का अनुभव कराओ। आप सच्चे रास्ते पर चलो, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है, अंततः सत्य की जीत होती है। जो सच्चा होगा वही व्यक्ति अंत में जिएगा। ये सत्याग्रह का मतलब था, सत्याग्रह विचार। एक बार दोबारा समझाता हूं पॉइंट नंबर चार कि सत्याग्रह का मतलब क्या था। एक बार मैं इनको क्लीन कर दूं, आप दोबारा समझ लीजिए। स्टार्ट, देखो टाइम लगेगा, मेरे वीडियो जो होंगे उसमें टाइम लगेगा, मैं खुद कहता हूं, लेकिन एक बार पढ़ेंगे उसे हम बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे, बार बार की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आप सच्चे हो, यदि आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना, बिना लड़ाई किए, बिना हथियार उठाए, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए, उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें इस व्यक्ति को मजबूर करना है ताकि वो सच्चाई को समझ पाए, वो सत्य का साथ दे। तो इस संघर्ष में सत्य की ही जीत होती है, जो सच्चा होगा वही जीतेगा। ये होता है सत्याग्रह का मतलब, जो कि आपका पॉइंट नंबर फोर था। तो पॉइंट नंबर फोर में हमें क्या पढ़ा, सत्याग्रह क्या होता है। नाउ अब बात करेंगे सत्याग्रह आंदोलन। तो जो गांधी जी भारत आ चुके थे, तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन कहां कहां चलाया था, ये पॉइंट नंबर फाइव होगा हमारा कि सत्याग्रह आंदोलन आखिर चलाया कहां कहां गया था। तो पहला पॉइंट, 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। देखिए शुरुआत यहीं से हुई थी, बिहार के चंपारण इलाके से, बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ
किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। ये बगान व्यवस्था क्या है? बगान क्या होता था बच्चों, जैसे ये आप खुद सोचा समझिए कि ये खेत है, ये इसको पूरी तरह से ना घेर देते थे, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे मजदूर होते थे, चाय और कॉफी के बगान होते थे, और बगान नीति में क्या होती थी, इस चाव को घेर देते थे और मजदूर कई महीनों तक ना इसके अंदर ही रहते थे, इनको घर जाने की इजाजत नहीं होती थी, तो कई महीनों तक, कई सालों तक उनको इनके अंदर ही रहकर यहीं पे खाना है, काम करना है, दोबारा सुबह उठना है, फिर काम करना है, उनको घर जाने की इजाजत नहीं थी, इसको बोलते थे बगान व्यवस्था। तो 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया, किसानों को बताया कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं अंग्रेजों के खिलाफ। 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण जो खेड़ा जिले के किसान थे वो लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दिया जाए, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। तो गुजरात के खेड़ा जिला, ये उनके सत्याग्रह का दूसरा स्पॉट था, गुजरात का खेड़ा जिला जहां पर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा चुके थे। तो उनके सत्याग्रह आंदोलन का तीसरा जगह क्या था? तो अहमदाबाद। तो अल्टीमेटली मैंने आपको बता दिया कि सत्याग्रह आंदोलन कहां कहां चला था। चलिए जल्दी समझ लीजिए ये सत्याग्रह आंदोलन आखिर कहां कहां चला था। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था बिहार का चंपारण, ये आपका पहला पॉइंट होगा। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। सेकंड पॉइंट, 1917 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। क्यों? क्योंकि खेड़ा जिला के जो किसान थे उनकी फसल खराब हो जाने के कारण और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने के हालत में नहीं थे, वे चाहते थे कि लगान में ढील दिया जाए, लेकिन अंग्रेज मान नहीं रहे थे, इसलिए खेड़ा जिला में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह आंदोलन किया। और 1918 में, ये तीसरा पॉइंट हो गया है ना, दूसरा पॉइंट तो ये होता, तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा, 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। तो अहमदाबाद, तो तीन जगह सत्याग्रह आंदोलन कितनी जगह चला बच्चों? तीन जगह। पहला बिहार का चंपारण, याद रखिए सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहां चला? बिहार का चंपारण। दूसरा याद रखिए गुजरात का खेड़ा जिला। तीसरा याद रखिए अहमदाबाद। मैं फिर से बताता हूं, बिहार के चंपारण में क्या हुआ था? तो बगान व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई हुई थी। गुजरात के खेड़ा जिला, यहाँ पे क्या हुआ था? तो फसल खराब हो गई थी और लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, वो चाहते थे कि लगान में ढील दिया जाए, लेकिन जो अंग्रेज तो मान नहीं रहे थे। और 1918 में गांधी जी सत्याग्रह करने कहां पहुंच गए? अहमदाबाद। किनके साथ? तो वो जो सूती कपड़ा कारखाने थे, मजदूर थे, उनके साथ। तो ये तीन जगह आप याद कर सकते हो, बिहार के चंपारण, गुजरात का खेड़ा जिला और अहमदाबाद, इन तीन जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। ये पॉइंट नंबर 5 होगा। आगे बढ़ जाते हैं, पॉइंट नंबर 6 होगा रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट क्या था और रॉलेट एक्ट में क्या खास बात थी? तो पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं। इस कामयाबी से उत्साहित, अब हुआ क्या कि गांधी जी ना बहुत फेमस हो गए, मौज आ गई एकदम, गांधी जी बहुत फेमस हो चुके थे पूरे देश के अंदर। लोग, मैंने आपको क्या बताया अभी ऊपर, क्या बताया था, लोग तो भड़के हुए थे पहले, ये देखिए लोग तो पहले ही भड़के हुए थे अंग्रेज के खिलाफ, लेकिन कोई इनका लीडर नहीं था, कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इनको साथ लेके चल सके, और वो थे गांधी जी। तो गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, फेमस हो गए, तो गांधी जी उत्साहित हो गए, यार लोगों को मदद की जरूरत है, मैं आ चुका हूं, मैं मदद करूंगा। तो यहां से रॉलेट एक्ट की कहानी शुरू होती है। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। जब रॉलेट एक्ट आया भारत के अंदर, अंग्रेज लेके आए रॉलेट एक्ट, तो गांधी जी जो थे वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करना चाहते थे। तो आपके मन में होगा ना, रॉलेट एक्ट था क्या, आपके मन में आ गया होगा कि रॉयल एक्ट में था क्या, तो बताता हूं। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। ये जो रॉलेट एक्ट था, ये पारित किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इनका था, तो अंग्रेजों का, जैसे भारत के अंदर संसद होते हैं ना, वैसे अंग्रेजों का एक संसद था जिसको हम बोल सकते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल।
तो भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए अब आ गया रॉकेट एक्ट, ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर यहां मिलेगा। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। रॉलेट एक्ट, समझिए रॉलेट एक्ट में क्या था कि आप एक नेता हो और अंग्रेजों को पता लग गया कि ये व्यक्ति बहुत फेमस हो रहा है, तो आपको बिना पूछे बिना आप पे मुकदमा डाले आपको जेल में बंद कर देंगे। लो जी 2 साल तक, आपको 2 सालों तक जेल में बंद कर देंगे। ये था रॉलेट एक्ट कि जितने भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको कुचलने के लिए राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया। ये हो गया आपका अगला पॉइंट। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। अब जब ये बात फैल गई कि भाई जो अंग्रेज हैं वो राजनेताओं को जेल में डाल देंगे, तो महात्मा गांधी इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ एक अहिंसक ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वे 6 अप्रैल 1919 से हम इसको स्टार्ट कर देंगे और 6 अप्रैल को यह हड़ताल शुरू हो जाएगा और रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। यहां तक समझ में आ गई, दोबारा समझा दू एक बार पैराग्राफ, जल्दी से आपके मन में आ रहा होगा सर जी दोबारा समझा दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए भाई साहब, भाई अपना है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, समझिए। रॉलेट एक्ट हम पढ़ रहे हैं, गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रवादी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था इस कानून को। इस कानून में था क्या कि इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। तो गांधी जी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। नाउ अब ये 6 अप्रैल को स्टार्ट होगा, तो ये उस समय व्हाट्सएप तो था नहीं सर, उस समय व्हाट्सएप तो था नहीं, फेसबुक था नहीं, इंस्टाग्राम था नहीं, यूट्यूब था नहीं, तो अपनी सूचनाओं को पहुंचाएंगे कैसे? नहीं पहुंचा सकते और टाइम लगेगा, न्यूज़पेपर मैगजीन से पंपलेट द्वारा चीजें पहुंचती थी, बहुत टाइम लग जाता था। तो उसी समय मार्शल लॉ लागू हुआ। अब ये मार्शल लॉ क्या लागू हुआ मैं आपको बताता हूं। महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि जो मैं जो आंदोलन कर रहा हूं वो अहिंसक ढंग से कर रहा हूं, मतलब कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता है भारत के लोग कहां मानने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट, हम मानते चलते हैं पॉइंट नंबर 7, मार्शल लॉ। या मार्शल लॉ क्या है, आइए। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, पहला पॉइंट, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं को भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन करना शुरू करा। अंग्रेजों ने कहा अच्छा हमसे तेज चलोगे भाई, भाई हमसे तेज चलोगे। उन्होंने राष्ट्रवादियों का दमन करना शुरू किया, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेता को हिरासत में ले लिया गया, अमृतसर के जो बहुत सारे नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई कि आप दिल्ली नहीं आ सकते। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर के कमान संभाल ली, जनरल डायर ने अपनी कमान संभाल ली, उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो यहां पर मार्शल लॉ के बारे में जानना है, ठीक है, समझिए। गांधी जी चाहते थे कि मैं 6 अप्रैल से एक अहिंसक तौर पर आंदोलन करना चाहता हूं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा बच्चों, समय व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये जैसे फैसिलिटी नहीं थी, तो वो अपनी बात को कैसे पहुंचाएंगे? और आपको पता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब बात जाती है, दूसरे से तीसरे जाती है, तो कहने का तरीका बदल जाता है। तो हुआ क्या कि विभिन्न शहरों में जुलूस होने लगे, रेलवे वर्कशॉप में कामगार जो थे हड़ताल पे चले गए, दुकानें बंद कर दी गई, जन उभार से चिंतित होकर जो रेलवे जब बंद हो गया, टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं उन्हें अंग्रेजों को लगा ये भंग हो जाएगी, तो उन्होंने क्या करा, राष्ट्रवादियों का दमन करना शुरू करा, जेल में डालना शुरू कर दिया सबको। अमृतसर के बहुत सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, गांधी जी को भी दिल्ली में आने से रोक दिया गया। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी,
अब लोग गुस्से में आ गए। इसके बाद लोग ने क्या करा, बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशन पर हमले करने शुरू कर दिए, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। तो ये पॉइंट नंबर 7 है, मार्शल लॉ। क्लियर हो गया यहां तक बात, सिंपल थी। नाउ अब क्या हुआ, उसी के बाद आया जालियांवाला बाग हत्याकांड। मैं खुद यहां पर गया हूं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और जब आप देखोगे, आप तो रिन्यूएट हो गया, आपको पता होगा नया बन गया, बहुत सारे चेंजेस हो गए, बट मैं गया हूँ रिन्यूएट होने से पहले। तो जालियांवाला बाग अगर आप जाओगे अमृतसर तो जरूर जाना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल जो हमारा गोल्डन टेम्पल है बिल्कुल उसके बगल में है, आप बिल्कुल जाना और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जाना चाहिए, हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 8 आता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। देखिए एक मैदान है वहां बहुत बड़ा। इस मैदान का नाम था जालियांवाला बाग, ठीक है, इस मैदान का नाम था। यहां वैशाखी, आपको पता है कि पंजाबियों के लिए जो वैसाखी होती है ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, क्योंकि फसल कटती है उसकी खुशी के लिए मनाया जाता है। तो वैसाखी के त्यौहार के लिए बहुत सारे लोग क्या हुए, जालियांवाला बाग में आए थे, त्यौहार मनाने आए थे खुशी पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं थी। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्र हुए थे। अब इनमें से कई लोग वो भी थे जो सरकार द्वारा मार्शल लॉ लागू किया गया था ना, जो सरकार द्वारा ये मार्शल लॉ लागू किया गया था, इसका विरोध करने के लिए भी यहाँ काफी लोग आ गए थे, ठीक है। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। अब बहुत सारे लोगों को पता ही था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है तो हमें बाहर नहीं निकलना। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान में चारों तरफ से उसको घेर लिया और बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत बड़ी घटना है भारतीय इतिहास में, हम सबका फर्ज बनता है हम जाने, हजारों लोग मारे गए ऐसा कहते हैं, बहुत लोग तो ऐसे कुएं में कूद गए, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा। तो मैं आपको दोबारा समझाता हूं उस दिन हुआ क्या था। तो पहले बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल को हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे लोग जो थे वो सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में पहुंचे थे। काफी लोग सरकार का विद्रोह करने के लिए भी पहुंच गए थे वहां पर। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, शहरों से बाहर होने के कारण लोगों को पता ही था कि भाई मार्शल लॉ लागू है, उन्हें कुछ ही मतलब नहीं, गांव वालों को कहां पता होता है कि क्या हो रहा है शहर के अंदर, तो उन्हें पता ही था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते उसने मैदान के सारे रास्ते बंद कर दिए। उसके बाद उसने सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और सैकड़ों लोग मारे गए। तो ये इतिहास का याद रखना, जालियांवाला बाग हत्याकांड पॉइंट नंबर 8। बिल्कुल सिस्टमैटिक तौर पे चैप्टर को चलिए, हिस्ट्री का रटने की जरूरत नहीं है, समझिए महसूस कीजिए, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे। अब जालियांवाला बाग की जब घटना फैल गई, जब जालियांवाला बाग की घटना इधर उधर बातें फैली, तो बहुत सारे लोग गुस्से में सड़कों पर उतर गए, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लड़ने लगे, पुलिस के खिलाफ हो गए, लोग लड़ने लगे पुलिस से, सरकारी इमारतों पर हमले होने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। तो सरकार ने क्या कहा कि जो साथ दे रहे जालियांवाला बाग लोगों का, उसको कुचलने का प्रयास करा, तो लोगों को कोड़े मारे गए, गांव गुजरावाला और पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। जो आंदोलन का फैसला हुआ था, सत्याग्रह आंदोलन का फैसला हुआ था, वो महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। बच्चों ये हमारा पॉइंट नंबर 9 है। यहां आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस क्यों लिया, तो आप आंसर यहां से दोगे कि जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे लोग, शहर के लोग सड़कों पर उतर गए, पहला पॉइंट। हड़ताल होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों को हमला होने लगे, सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया।
लोगों को कोड़े मारे गए, गांव गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए, हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब कई लोगों को इस बात से बड़ा गुस्सा आया गांधी जी पर, मैं आपको सच बताऊं, और शायद हो सकता है आप में से भी कई बच्चों को आए कि क्यों ऐसा हुआ था, गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिए। उसके पीछे देखो गांधी जी के अपने वसूल है और रूल्स एंड नियम है। गांधी जी, महात्मा गांधी क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि आप अहिंसा के तौर पे चलो, हिंसा नहीं करना। तो इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि लोग हिंसा करने लग गए थे, तो उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया यहां से। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 हो गया। अब आगे बढ़ जाए, यहां पर हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में, पॉइंट नंबर 10। हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट होगा पॉइंट नंबर 10, और वो है खिलाफत आंदोलन। आपने वर्ड सुना होगा पहले, शायद छोटी क्लास में, 8th क्लास में दिया हुआ भी था। तो अब खिलाफत आंदोलन शुरू होने वाला है, इंतजार कीजिए, बहुत सारे आंदोलन आएंगे। आप गुस्सा क्यों हो गांधी जी पे, अभी गांधी जी बहुत कुछ करेंगे, टेंशन मत लो, गांधी जी बहुत कुछ करेंगे, अभी आप टेंशन ना लो, अभी आएंगे वापस। ठीक है, शेर दो कदम पीछे हटता तो चार कदम आगे बढ़ता, कहावत सुनी है ना आपने, वेट कीजिए आएगा सब होगा। तो पॉइंट नंबर 10 स्टार्ट होगा खिलाफत आंदोलन। अब महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि नहीं, इतने लोगों से काम नहीं चलेगा। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार, जन लोगों का साथ चाहते थे और बड़ा आंदोलन चाहते थे। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। वो चाहते थे कि जो हिंदू मुसलमान है ना, ये एक साथ आ जाए, अगर ये एक साथ आ जाए ना किसी तरीके से, तो मैं बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय को नजदीक ला सकते हैं। अब गांधी जी के मन में एक विचार आया, गांधी जी के मन में एक विचार आया, वो विचार था खिलाफत। अभी आप सोचोगे खिलाफत क्या होता है, देखो खलीफा, खलीफा जो होता है एक तरह से हम बोल सकते हैं, जो मुस्लिम समुदाय है उनके जो सबसे बड़े एजुकेटर होते हैं या जो शिक्षा देते हैं लोगों को, उनको खलीफा बोलते हैं। तो उन्होंने, गांधी जी को लगता था कि अगर मैं खलीफा का मुद्दा उठाऊं तो हिंदू मुसलमान साथ आ जाएंगे। ठीक है, पहले विश्व युद्ध, अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चों, इस वाले पॉइंट के बाद आपको यहां पे आ जाना है, ये हरे वाला पॉइंट अलग पॉइंट है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मैं फिर से बोल देता हूं, इस यहां से लेकर यहां तक हम बाद में पढ़ेंगे, यही चीज एनसीईआरटी में यही कमी है, चीजों को ना बीच में गैप डाल देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। आप इस वाले पॉइंट यहां से यहां पे आ जाओगे आप। ठीक है, तो उनके मन में आ गया कि मैं खलीफा का मुद्दा उठाऊंगा तो दोनों समुदाय पास आ जाएंगे। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया, और खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक सहयोग, एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अब गांधी जी ने अपनी बात रखी, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें अपनी बात रखी कि मैं खिलाफत आंदोलन, मैं चाहता हूं खिलाफत आंदोलन करूं, इसके लिए मुझे साथ चाहिए हिंदू मुस्लिम। तो बाकी सभी मान गए कि कांग्रेस में जो भी नेता थे वो मान गए कि ठीक है आप करिए आंदोलन, कोई दिक्कत नहीं है। तो खिलाफत आंदोलन समझ में आ गया, खिलाफत आंदोलन के बारे में पता लग गया। मैं दोबारा आपको समझा दूं, एक बार जल्दी से समझ लीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा फिर से एक बार और समझा देता हूं खिलाफत आंदोलन में होता क्या है। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार और बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन खड़ा करना संभव नहीं था। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वो दोनों समुदाय को पास ला सकते हैं। तो आखिरकार सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ये था खिलाफत आंदोलन। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे कहा ना, यहाँ के बाद आपको यहां से पॉइंट येल्लो वाले एक साथ लेना है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के हाईलाइटेड ये अलग पॉइंट है, इसमें हम पढ़ेंगे खिलाफत समिति। अब आपके मन में आ रहा होगा कि खिलाफत आंदोलन था क्या जो गांधी जी उठाना चाहते थे, मन में आ गया ना कि खिलाफत आंदोलन था क्या आखिर जो गांधी जी चाहते थे खिलाफत आंदोलन खड़ा करना। तो इसका आंसर मैं अब आपको बताता हूं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, पहला विश्व युद्ध 1914 और 1918 याद हो गया होगा आपको, इसमें ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय से कि अफवाहें फैली हुई थी कि जो इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता हैं जिनको खलीफा कहते हैं, ऑटोमन साम्राज्य पर
एक बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी, यानी खलीफा के खिलाफ बहुत सख्त संधि थोपी जाएगी। खलीफा को तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। अब जो भारत के मुस्लिम थे वो अपने खलीफा की रक्षा करने के लिए उन्होंने खलीफा या खिलाफत समिति बनाया। मोहम्मद अली और शौकत अली भाइयों के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू करी। और महात्मा गांधी तो चाहते भी यही थे कि हिंदू मुस्लिम पास आ जाए। समझ रहे मेरी बात को, क्या घटना हुई? देखिए, चीजों को समझिए तब आपको मजा आएगा। रट तो कोई भी सकता है सर। देखिए, महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम साथ आ जाए, लेकिन कैसे आए? तो उनके मन में था कि मैं खिलाफत का मुद्दा उठाऊं तो हिंदू मुस्लिम साथ आ जाएंगे। और इधर शौकत मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे जो युवा मुस्लिम थे वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो जो अंग्रेजों से बात कर सके, ताकि उनके जो गुरु है या उनके जो मेन खलीफा है उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई मुस्लिम नेता मिलकर मिले। वो किससे मिले? महात्मा गांधी से मिले कि आप चर्चा कीजिए, आप अंग्रेजों से बात कीजिए इस बारे में, उन पर दबाव डालिए कि खलीफा के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अच्छा, इधर गांधी जी भी वेट कर रहे थे कि मैं मुस्लिमों को साथ में लाना चाहता हूं। तो गांधी जी ने कहा ठीक, यस, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। क्या? आपको मेरे असहयोग आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? गांधी जी ने कहा कि मैं आपका मुद्दा उठाऊंगा, मैं खिलाफत का मुद्दा उठाऊंगा अंग्रेजों के साथ, मैं उन पर प्रेशर डालूंगा, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको मेरे असहयोग आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा और आपको मुस्लिम समुदाय को पास लाना पड़ेगा, मुस्लिम को इकट्ठा करना पड़ेगा असहयोग आंदोलन में। समझ लो चीजों को, यहां तक क्लियर हो गई? खिलाफत आंदोलन पता लग गया। खलीफा को बचाने के लिए, खलीफा की शक्तियों को बचाने के लिए, खलीफा की शक्तियों को बचाने के लिए जो आंदोलन किया गया था उसे बोलते हैं खिलाफत आंदोलन, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 9 तो ये था, पॉइंट नंबर 10 ये कर लेना, पॉइंट नंबर 10 खिलाफत आंदोलन और पॉइंट नंबर 11 था खिलाफत समिति। खिलाफत समिति ये पॉइंट नंबर 10 है, पॉइंट नंबर 11 सॉरी 11 जो हो जाएगा वो ये आ जाएगा, पॉइंट नंबर 11 कर लेना खिलाफत समिति। ठीक है, खिलाफत समिति में कौन कौन थे? तो मोहम्मद अली, शौकत अली और बहुत सारे युवा मुस्लिम नेता जो गांधी जी से मिले थे कि आप अंग्रेजों से बात कीजिए और हमारे खलीफा के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसको रोकिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको असहयोग आंदोलन में मुसलमानों को साथ लाना पड़ेगा। तो दोनों राजी हो गए। इधर मोहम्मद अली और जो इनका खिलाफत समिति था उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका साथ देंगे गांधी जी। गांधी जी ने कहा मैं आपका साथ दूंगा, मैं अंग्रेजों को बोलूंगा कि खलीफा के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग। तो इसे बोला गया खिलाफत आंदोलन, खिलाफत समिति। पॉइंट नंबर 10 खिलाफत आंदोलन, पॉइंट नंबर 11 खिलाफत समिति। अब पॉइंट नंबर 12 आ गया, असहयोग आंदोलन ही क्यों, असहयोग ही क्यों? आखिरकार गांधी जी असहयोग आंदोलन के पीछे क्यों पड़े थे? क्या कारण था? बार बार आ रहे ना असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, क्यों भाई? तो असहयोग ही क्यों, क्यों गांधी जी असहयोग आंदोलन के पीछे पड़े थे? तो मैं आपको बताता हूं उसका रीजन, बढ़िया रीजन आपको समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 12, असहयोग ही क्यों? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रही है। देखिए, ये अंग्रेज हैं और ये हम पे शासन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे भारतीय जो हैं वो इनकी हेल्प कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत सारे भारतीय जो हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं अलग अलग कामों में, सेना में या उनके प्रशासनिक कामों में मदद कर रहे हैं। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने बोला था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल भी पा रहा है। अगर भारत के लोग यानी ये वाले लोग अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, अगर ये काम करना बंद कर दें अंग्रेजों के साथ, तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगी और स्वराज की स्थापना अपने आप हो जाएगी, अंग्रेज अपने आप भाग के चले जाएंगे। मेरी बात समझ गए? आई होप एक ही बार में समझ गए होंगे। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि अंग्रेज जो है ना,
अंग्रेज हम पे शासन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लोगों से ही काम करवा रहे हैं, ये हमारे लोग हैं जो अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं सेना में, प्रशासनिक कार्यों में, अलग अलग। और अगर ये लोग मना कर दें, अगर ये लोग मना कर दें अंग्रेजों का शासन के साथ देना, तो अंग्रेज पड़ जाएंगे अकेले और वो भाग जाएंगे यहां से। तो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के कारण ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगी और स्वराज की स्थापना स्थापित हो जाएगी। आप भी कह रहे होंगे सही बात है, अगर ये लोग मदद करना बंद कर दें, अंग्रेजों का, तो अंग्रेज अकेले पड़ गए और भाग जाएंगे यहां से। तो इसलिए असहयोग जो था वो फेवरेट टॉपिक था गांधी जी का। नाउ अब आ गया पॉइंट नंबर 13। ये पॉइंट नंबर 13 हमारा होगा कि आखिर असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है। असहयोग का मतलब क्या है? कि आपको सहयोग नहीं करना, आपकी मदद ना करना, तो ये आंदोलन कैसे बन सकता था? असहयोग के विचार आंदोलन कैसे बन सकता था, ये है पॉइंट नंबर 13। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। गांधी जी को देखो पहले एक्सपीरियंस मिल चुका था कि पहले उन्होंने आंदोलन किया हुआ था तो बहुत ज्यादा दंगे फैल गए थे, तो अब वो चाहते थे कि आंदोलन तो हो लेकिन चरणबद्ध तरीके से हो, स्टेप वाइज हो, ताकि कोई गलती ना हो पिछली बार की तरह। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अंग्रेजों ने जिनको जो अवार्ड दिया है, पदवियां होता है अवार्ड, जो अंग्रेजों ने अवार्ड दिया है आप उसे लौटा दो। अब कहोगे अवार्ड वापस करने से क्या फर्क होगा, तो अवार्ड वापस करना एक सिंबल होता है कि हम आपके खिलाफ हो चुके हैं। और सरकारी नौकरियों जैसे कि सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। तो गांधी जी ने लोगों से आग्रह किया कि एक तो आप अवार्ड, जो भी अवार्ड आपको मिले हैं, जो अंग्रेजों ने आपको अवार्ड दिए उनको वापस कर दो। इसके अलावा जितने भी सरकारी नौकरियां कर रहे हैं जो भारत के लोग हैं, जो सेना में, पुलिस में, अदालत में, विधायी परिषदों में, स्कूल में, विदेशी वस्तुओं का, बिल्कुल बना कर दो, बिल्कुल अंग्रेजों का बिल्कुल त्याग कर दो। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, अब गांधी जी कहते हैं कि मान लीजिए सरकार अगर दमन करती है यानी हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेती है, तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग सविनय अवज्ञा अभियान, सविनय अवज्ञा अभियान का मतलब होता है विनय पूर्वक उनकी बात को मना करना कि हम आप जो कहोगे उसको नहीं करेंगे। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। अच्छा एक बात समझिए, गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए देश में यात्रा क्यों कर रहे थे? क्योंकि बच्चों उनको पहले से जो हुआ था ना आंदोलन, उनका एक्सपीरियंस हो चुका था कि लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि एक्चुअल में हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें हमें अहिंसा के रास्ते को चलना है, हिंसा नहीं फैलानी। इसलिए गांधी जी और शौकत अली पूरे देश में समर्थन जुटाने के लिए घूमते रहे। चलिए एक बार जल्दी समझ लीजिए, पॉइंट नंबर 13 की बात कर रहे थे हम लोग, तो जल्दी से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। गांधी जी का सुझाव था कि आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार, पहला पॉइंट तो आप यहां तक कर लोगे, सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां अवार्ड वापस कर देने चाहिए, सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालती, विधायी परिषदों, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविज्ञ अभियान शुरू किया जाएगा। और 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने पूरे देश में यात्राएं करते रहे, लोगों को समझाते रहे कि आपको आंदोलन तो करना है लेकिन अहिंसा के रास्ते को अपनाना है। ठीक है, याद रखने में आ गया, आगे बढ़ जाए। नाउ आपका 13 पॉइंट हो चुका है, ये 13 पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। तो पढ़िए कहानी। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर शंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषदों के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्होंने उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। अब कांग्रेस को देखो पहले एक्सपीरियंस हो चुका था, कांग्रेस को पहले एक्सपीरियंस हो चुका था कि लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ लोग कह रहे थे कि ठीक है आंदोलन करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे आंदोलन नहीं करना चाहिए। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें एक समझौता हुआ
और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई कि ठीक है हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो अब असहयोग आंदोलन फिर से स्टार्ट होने वाला है। नाउ अब अगला टॉपिक आ जाता है आपका, यहां पे देखिए पार्ट वन खत्म हो गया कि कांग्रेस मान चुकी थी कि अब असहयोग आंदोलन हम स्टार्ट करेंगे, अब असहयोग आंदोलन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पर आपका पार्ट वन खत्म हो जाता है। इसके बाद आप देखिए पार्ट वन टू आपका शुरू होता है, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब आंदोलन तो शुरू कर दी गई और आंदोलन कब शुरू हुई, ये पॉइंट नंबर 14 बन जाएगा कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू किया गया। तो पॉइंट नंबर 14 आपको मिल गया कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू किया गया। असहयोग और खिलाफत आंदोलन क्यों बोल रहे, एक तो हम सरकार का असहयोग करेंगे और खिलाफत में आपको पहले बता चुका हूं कि जो मुसलमान थे उनको साथ में लिया हमने, तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन बच्चों आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी, आंदोलन के सबके लिए मतलब सेम नहीं था, सबके लिए आंदोलन के मतलब अलग अलग थे। इसके लिए आंदोलन का मतलब अलग था, इस समुदाय के लिए आंदोलन का मतलब अलग था, सबके लिए आंदोलन के मतलब अलग अलग थे। तो इस वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से लोग गांधी जी के इस आंदोलन के क्या मतलब निकाल रहे थे। तो पॉइंट नंबर 15 पे आ गए कि असहयोग खिलाफत आंदोलन शहरों में आंदोलन कैसे चला, शहरों में आंदोलन कैसे चला। ठीक है, पॉइंट नंबर 15 पे आ चुके हैं कि असहयोग खिलाफत आंदोलन शहर में कैसे चला। ठीक है, देखिए आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। आंदोलन में सबसे पहले भाग किसने लिया, तो शहर में रहने वाले मध्यवर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। ये शहर की बात हो रही है कि शहर में जब ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन चला तो क्या हुआ था। तो हुआ क्या कि शहर में रहने वाले मध्य वर्ग इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करी, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ने से बंद कर दिया। उसके बाद अच्छा इसके बाद यहां पे आ जाना, पीछे ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक डिफरेंट अभी बात करेंगे। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाने लगा, मना कर दिया विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। ये पिकेटिंग क्या होता है, पिकेटिंग होता है दुकान के सामने, मान लो ये दुकान है तो इसके सामने खड़े हो जाना ताकि कोई दुकान पे पहुंच ही ना पाए, तो इसे पिकेटिंग कहते हैं। तो शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की होली का मतलब है विदेशी कपड़ों को जला दिया गया एक सिंबल के रूप में कि अब हम विदेशी कपड़ा इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अंग्रेजों की इससे कमर टूट जाएगी। ठीक है, अच्छा बीच में एक टॉपिक आता है जस्टिस पार्टी। ये जस्टिस पार्टी क्या था, ये पॉइंट नंबर 16 आएगा जस्टिस पार्टी। तो चलिए मैं आपको जस्टिस पार्टी के बारे में समझा देता हूं। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। क्या होता था, अंग्रेज ना परिषद चुनाव कराते थे उस समय, क्या कराते थे, परिषदों का चुनाव, छोटा संसद समझ लो आप, तो परिषद का चुनाव होता था। तो मद्रास के अलावा हर जगह परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा, जो गैर ब्राह्मण थे उनके द्वारा बनाई गई थी एक जस्टिस पार्टी। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। तो उनका मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए, यानी अंग्रेजों के अंदर परिषद में हम घुस जाएंगे, परिषद के चुनाव में भाग लेंगे, हम परिषद में जाकर हम अंग्रेजों के खिलाफ बोल सकते हैं। उनका मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वो अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। आपको पता उस समय जो हमारी कास्ट सिस्टम है वो बहुत भयानक रूप था उस समय, तो जो ब्राह्मण के अलावा बाकी जाति के लोग थे उनको ज्यादा अधिकार नहीं मिले थे। तो उनका यह मानना था कि अगर हमने काउंसिल में प्रवेश कर लिया, अगर हमने चुनाव में भाग ले लिया तो हमें भी वो अधिकार मिल जाएंगे जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। तो जस्टिस पार्टी आप याद रखना, जस्टिस पार्टी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई सारी बातें। ये थोड़ा मैं आपको फिर से कहूंगा, चीजों को समझिए आप। देखिए ये येलो कलर का जो ये आपको दिख रहा है, ये येलो कलर का अलग टॉपिक है और जो ग्रीन कलर से दिया गया वो अलग टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया शहरों में आंदोलन, शहरों के आंदोलन में क्या बताया कि आंदोलन की शुरुआत में किन्होंने भाग लिया, तो मध्य वर्ग में भाग लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करी इन्होंने, हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, हेडमास्टर शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए, वकीलों ने मुकदमा लेने से मना कर दिया, जो विदेशी सामान थे उनका बहिष्कार किया गया, पिकेटिंग की गई, शराब की दुकानों की मना कर दिया गया लोगों से जाने के लिए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो ये सब शहर में चल रहे थे। ठीक है,
बीच में एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसमें मैंने आपको जस्टिस पार्टी के बारे में बताया। तो जस्टिस पार्टी क्या था, मद्रास में गैर ब्राह्मणों ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। उन्होंने कहा नहीं, हम काउंसिल में भाग लेंगे, यानी हम चुनाव परिषद में भाग लेंगे, हम चुनाव में भाग लेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें वो अधिकार मिल जाएंगे जो समान रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी में चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। छोटा सा टॉपिक है पॉइंट नंबर 16, जस्टिस पार्टी। नाउ अब पॉइंट नंबर 17 आता है कि शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। अब हुआ क्या कि शहर में शुरुआत में तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया शहर के लोगों ने इस आंदोलन में, जो ये आंदोलन चल रहा था असहयोग खिलाफत आंदोलन, इसमें बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया। लेकिन बाद में शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। क्यों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शहरों में आंदोलन धीमा क्यों पड़ा। तो पहला, इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। अब मशीन से जो कपड़ा बन के आ रहा वो सस्ता था और हमारे पास ऐसी मशीन थी नहीं, तो खादी का जो कपड़ा था वो महंगा था, तो महंगा जो गरीब लोग हो उसे कैसे खरीदेंगे। तो एक रीजन तो ये था जिसके कारण शहरों में आंदोलन धीमा पड़ गया। दूसरा, ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से, हमने कॉलेज छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, तो ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी। अब आपने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, लेकिन आपके खुद के भारतीय संस्थान भी तो होने चाहिए ना, खुद के भारतीय स्कूल भी तो होने चाहिए, वो तो थे नहीं, ताकि ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया धीमी थी। अब बहुत धीरे धीरे स्कूल बनने थे हमारे खुद के अपने, जो हमारी प्रक्रिया थी वैकल्पिक संस्थान, उनकी बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप क्या हुआ, जो विद्यार्थी और शिक्षक थे उन्होंने सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। तो धीरे धीरे ये आंदोलन शहर में जो था वो धीमा पड़ गया। तो बच्चों, अगर ये आपसे पूछा जाए कि शहर में, पॉइंट नंबर 17 है कि शहर में आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया, तो पहला कारण क्या दोगे कि हमारे पास क्या था, बड़े पैमाने पर कपड़े के लिए मशीन नहीं थे और खादी का कपड़ा जो महंगा था तो गरीब लोग उसे खरीद नहीं सकते थे, इसलिए मजबूर होकर उन्हें विदेशी मशीन से बना हुआ कपड़ा ही खरीदना पड़ता था। दूसरा, हमने ब्रिटिश संस्थाओं का तो बहिष्कार कर दिया, लेकिन हमारे खुद के अपने भारतीय संस्थान नहीं थे, स्कूल नहीं थे, कॉलेज थे, उनके बनने की प्रक्रिया जो थी वो बहुत धीमी थी। तो वैकल्पिक संस्थाओं की जो प्रक्रिया धीमी थी, इसलिए हमारे पास अपने स्कूल और जब कॉलेज नहीं थे, तो फलस्वरूप हुआ क्या, विद्यार्थी और शिक्षक मजबूर होकर वापिस सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा अपने अदालत जाने लगे। तो ये आपका पॉइंट आएगा कि ये आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया। नाउ अब ग्रामीण में कौन सा आंदोलन याद है, ये वाला आंदोलन असहयोग खिलाफत आंदोलन। पहले हमने पढ़ा शहर में कि शहर में क्या प्रभाव पड़ा, अब हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन का ग्रामीण में क्या इफेक्ट था, ग्राम में क्या हुआ। तो ग्रामीण का पढ़ते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 18 होगा हमारा, ये पॉइंट नंबर 18 होगा कि गांव घर में क्या असर पड़ा इस आंदोलन का। तो चलिए पॉइंट नंबर 18 मैं आपको समझा देता हूं। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। अब ये देहात मतलब गांव घर में भी फैल गया आंदोलन। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अब युद्ध के बाद जो छोटे मोटे किसान आंदोलन थे, जो आदिवासियों का आंदोलन था, वो भी इसी आंदोलन में समा गए कि उनको भी मौका मिल गया। वो पहले अंग्रेज के खिलाफ थे, अब उनको भी मौका मिल गया अंग्रेजों के खिलाफ होने का। तो जो छोटे मोटे किसान आंदोलन थे, आदिवासियों का आंदोलन था, वो भी इसी आंदोलन में समा गया। तो ये ग्रामीण इलाकों में विद्रोह था। यहां पर एक पॉइंट नंबर आता है, पॉइंट नंबर 19, सन्यासी बाबा रामचंद्र के बारे में। अक्सर ये बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं बड़े अच्छे से। जो सन्यासी बाबा रामचंद्र हैं, इनके बारे में आप समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 19, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उस समय किसानों के सबसे बड़े नेता थे ये सन्यासी बाबा रामचंद्र। तो अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूलते थे। अभी जो सन्यासी बाबा रामचंद्र थे ना, ये छोटे किसानों के एक तरह से मसीहा थे। उनका आंदोलन जो था वो तालुकदारों से था और जमींदारों से था, क्योंकि वो किसानों से क्या करते थे, तरह तरह के लगान वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे। तो वो जमींदारों के खिलाफ थे जो सन्यासी बाबा रामचंद्र थे, ठीक है। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था छोटे किसानों को, ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार ना हो जाए, ठीक है। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए। अभी छोटे किसान थे, उनकी मांग थी कि लगान जो है टैक्स है वो कम कर दिया जाए, बेकार खत्म हो, यानी बेकार में जो अंग्रेजों के लिए काम करना पड़ता है वो खत्म हो जाए,
और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। लोग जो कि छोटे किसान थे वो जमींदारों का बहिष्कार करने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। अब जो छोटे किसान थे उन्होंने क्या करा, जमींदारों का नाई और धोबी, यानी नाई मतलब जो बाल वगैरह काटते हैं और धोबी मतलब जो कपड़े धोते हैं, तो जमींदार अपने जो बाल कटवाएंगे या जो कपड़े धुलवाएंगे वो इन्हीं से धुलवाएंगे। तो बहुत सारे स्थानों पर क्या हुआ कि जमींदारों के नाई धोबी की जो सुविधाएं थी वो छोटे किसानों ने बंद कर दिया, ताकि इनको जमींदारों को नाई धोबी की सुविधा बंद कर दी जाए। तो उन्होंने बंद लेने का फैसला किया कि अब हम जमींदारों को नाई और धोबी की सुविधा नहीं देंगे। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के किस गांव का दौरा किया। अब उसी समय 1920 के दौरान हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। आखिर वो भी जानना चाहते थे कि आखिर दिक्कत क्या है। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और आपको पता है 1921 में स्टार्ट हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू कब विजिट करने गए थे, 1920 में, तो अगले साल, इससे लिखा हुआ अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने समझाया कि ठीक है, आप आंदोलन तो कर ही रहे हो अंग्रेजों के खिलाफ, तो हमारा जो असहयोग आंदोलन है आप इसमें शामिल हो जाओ। तो कांग्रेस ने क्या करा, वो जो किसानों का आंदोलन चल रहा था उसको असहयोग आंदोलन में मिला लिया। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या होता है। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। देखो, जिसका डर था वही हुआ ना, फिर से चीजों को समझ रहे हो आप, जिसका डर था हुआ वही। गांधी जी को पहले से ही पता था कि व्यक्ति नहीं मानेंगे, ये दंगे करेंगे, और हुआ वही। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकान पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा। बताओ, गांधी जी ने ऐसा कुछ बोला ही था, फिर वही बात, उसमें व्हाट्सएप तो था नहीं, फेसबुक था नहीं, ट्विटर था नहीं कि आपको टैग कर दें, इंस्टाग्राम तो था नहीं कि आपके रील्स बना दें, समझ रहे मेरी बात को, यूट्यूब था नहीं आपके लिए वीडियो बना दें, तो उसमें ऐसी कोई फैसिलिटी तो थे नहीं। तो बहुत सारे स्थानीय नेता पता है क्या कह रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान किया है कि अब कोई लगान नहीं देगा और जमीन है वो गरीबों में बांट दी जाएगी फ्री में, गांधी जी कह रहे हैं ऐसा। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा दे, महात्मा गांधी का नाम लेकर वो जो कर रहे थे, महात्मा गांधी जी ने कहा है जो मर्जी करो, आग लगा दो, बाजार लूट लो, जमीन ले लो, वापस छीन लो, जमींदारों को मारो, सब किसके नाम पर, महात्मा गांधी जी के नाम पर। अच्छा, इनको पता था ऐसा होगा, महात्मा गांधी जी को पता था कि ऐसा होगा, तभी तो वो देश में घूम रहे थे ना, ये मैंने आपको पहले बताया था। देखिए, चीजों को समझिए, एक बच्चा होता है एसएसटी को रटता है, एक चीज होता है उसको खोता है, उस चीजों को समझ के बिल्कुल महसूस करता है कि उस समय क्या हुआ होगा। समझ पा रहे हो, मैं आपको दोबारा समझाऊं, चलिए एक बार जल्दी से फटाफट इस पेज में जो जो हमने बात पढ़ी है उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, एक बार हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए, चलिए एक बार फिर से साफ कर दिया मैंने। यहां हम टॉपिक पढ़ रहे थे सन्यासी बाबा रामचंद के बारे में, जो किसानों के समय मसीहा हुआ करते थे। ठीक है, स्टार्ट करते, चलिए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूलते थे। पट्टेदारों के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे और बार बार पट्टे बदल दिए जाते, क्यों, ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार ना हो, छोटे किसानों का अधिकार ना हो। किसानों की मांग थी कि लगान कम कर दिया जाए, भाई लगान कम करो, टैक्स कम करो, बेकार खत्म कर दो, कि जो हम अंग्रेजों के लिए बेकार में काम करते हैं उसको खत्म करो। दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया, कि कोई भी नाई या कोई भी धोबी जमींदारों के यहाँ काम नहीं करेगा। जून 1920 में जब जवाहरलाल नेहरू अवध के गाँव का दौरा किया तो उन्होंने गांव वाले की बात सुनी, जानना चाहा कि दिक्कत क्या है। अब अगले साल यानी 1921 में, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, 1921 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने क्या करा, जो अवध के किसान का संघर्ष था उसको असहयोग आंदोलन में मिला लिया कि अब हमारे साथ आ जाओ। लेकिन वही डर जो था वो सच हो गया। क्या डर था, कि 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, उनके घर को जला दिया गया, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा,
जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कहा था महात्मा गांधी जी ने, लेकिन अपने मतलब निकल रहे सबके खुद के। महात्मा का नाम लेकर लोग आप अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे कि हम जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्योंकि गांधी जी ने ऐसा बोला है, तो चलो बाजार लूट लो और व्यापारियों को मारो, जमींदारों को पीटो, सब गांधी जी के नाम पे चल रहा था। क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था कि आपको टैग कर देते कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, सबर करो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। ये हमारा पॉइंट नंबर था 19, सन्यासी बाबा रामचंद्र की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। अब आते हैं गुरिल्ला आंदोलन, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 20 होगा हमारा। पॉइंट नंबर देखिए, मैं जो प्रारूप से बाहर नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे चुका हूं, मैं आपको गारंटी दे चुका हूं जो मैं आपको प्रारूप से बाहर नहीं आएगा, ठीक है, एक एक चीज समझाऊंगा आपको, प्रॉमिस करता हूं। मेरा वीडियो बड़ा होगा लेकिन एक बार होगा और लास्ट बार होगा, एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं। गुरिल्ला आंदोलन क्या था, पॉइंट नंबर 20, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। अब जो आदिवासी लोग थे उन्होंने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कोई और ही मतलब निकाल लिया। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी लोग कुछ और ही करने लगे, वो गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। क्या फैल गया, तो सुनिए, जब सरकार ने उन्हें सड़कों का निर्माण करने के लिए, यानी ये जो जगह है ना जो आपको अभी बताया था कि आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों, आंध्र प्रदेश के जो गुडेम पहाड़ियां हैं वहां पर क्या हुआ कि लोगों से सरकार, अंग्रेजों ने उन्हें सड़कों का निर्माण करने के लिए बेगार करने पर मजबूर किया। बेगार होता है अंग्रेजों के लिए बेकार, बिना पैसे लिए काम करना। तो जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने के लिए मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी, खड़े हो गए अंग्रेजों के खिलाफ। आजा, अब अपनी करेंगे बेगारी, गांधी जी ने बोला है अब नहीं करेंगे हम तुम्हारी बेगारी। इसका नेतृत्व करने वाली अलूरी सीताराम राजू थे, याद रखोगे इनका नाम, इसका नाम बहुत बड़ा नाम है इनका। उनका नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो अलूरी सीताराम राजू थे इनका नेतृत्व करने वाले। किसका, गुरिल्ला आंदोलन याद रखोगे, गुरिल्ला आंदोलन के जो नेता थे वो थे सीताराम राजू जी। ठीक है, राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। अब राजू जी जो थे वो महात्मा गांधी के फॉलोवर थे, गांधी जी से बहुत लगाव था, लेकिन वो गांधी जी की एक बात से सहमत नहीं थे, वो क्या, तो वो जो अहिंसा की बात है ना वो उन्हें पसंद नहीं थी। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर, भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। भले ही जो सीताराम राजू जी थे वो महात्मा गांधी के फॉलोवर थे, उनकी बातों को मानते थे, वो उनकी महानता के गुण गाते थे, लेकिन वो उनके इस बात से सहमत नहीं थे कि हम अहिंसा के बल पर भारत को आजाद कराएंगे। देखो ना लिखा हुआ है। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, जो गुडेम पहाड़ियों में पुलिस थाने थे अंग्रेजों के, उन पर हमले कर दिए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की, स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को पकड़ कर उनको फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुके थे, अब वो हीरो बन चुके थे अपने लोगों के बीच में। समझ में आ गया बच्चों, ये सब ग्रामीण इलाकों में चल रहा था। चीजों को समझिए, अभी हम ग्रामीण एरिया में पढ़ रहे हैं कि जो खिलाफत असहयोग आंदोलन की बात हम लोग कर रहे थे, इतनी बार समझा दिया इसमें अब दिखना ही बंद हो गया। चलिए वापस आते हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना असहयोग खिलाफत आंदोलन जो 1921 में स्टार्ट हुआ था, पहले हमने बात कहा कि शहर में क्या प्रभाव पड़ा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रामीण एरिया में क्या प्रभाव पड़ा। तो पॉइंट नंबर 18 समझाया, फिर पॉइंट नंबर 19 मैंने आपको सन्यासी बाबा रामचंद्र के बारे में बताया, फिर पॉइंट नंबर 20 मैंने गुरिल्ला आंदोलन के बारे में समझाया। ये सब 20 के पार्ट थे। गुरिल्ला आंदोलन ग्रामीण एरियाओं के अंदर आता है। अब आता है बागानों में स्वराज, कि बागान के लोग ने क्या मतलब, जो बागान आपको याद है मैंने क्या बताया था कि एक बहुत बड़ा एरिया अंदर बागान है, कॉफी चाय ये सब उगाए जाते हैं, इनको घेर दिया। अब इसके अंदर जो लोग हैं उनको कई सालों तक या कई महीनों तक रखा जाता था, अब वो घर वालों से या गांव नहीं जा सकते थे, मजबूर होकर उनको काम करना पड़ता था यहीं पर, इनको बोलते थे बागान। तो बागान वालों ने क्या मतलब निकाला असहयोग आंदोलन का, तो यहां पर ये मतलब आएगा पॉइंट नंबर 21। ठीक, चलिए शुरुआत करें। पहला पॉइंट 21 का,
असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे इन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं, उनमें कोई बंद करके रखा था। अब जो बागान मजदूर थे उनके लिए आजादी का मतलब क्या था कि वो इन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकें, उनको जो उसमें बंद करके रखा गया था। 1859 के इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट, इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट ये कानून था बच्चों जो 1859 में बनाया गया था। 1859 इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना, अब जब उन तक खबर पहुंची, जब उन तक असहयोग आंदोलन की खबर पहुंची कि गांधी जी आ गए, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, बात मानना बंद कर दिया, हम नहीं मानेंगे बात, गांधी जी आ गए हमारे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए, बागान छोड़ के घर निकल दिए, गांधी जी का जमाना आ गया, जा रहा हूं मैं, बाबा टाटा, खत्म, गया। उनको लगता था कि अब गांधी जी का राज आ रहा है, इसलिए अब तो हरेक को गांव में जमीन मिल जाएगी। ये खबर फैल गई थी कि हम गांव में जाएंगे और गांधी जी का जमाना आ चुका है, तो हरेक किसी को अपनी खुद की जमीन होगी, गांधी जी सबको जमीन दे देंगे और हम लोग आराम से रहेंगे गाँव में। लेकिन वह अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल, इधर रेलवे के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, स्टीमर जो थे उनके जो कर्मचारी थे वो भी हड़ताल चल पे चले गए थे, तो अब जाएंगे कैसे अपने गांव? तो वो अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाए रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण। स्टीमर होता है जैसे रेल होता है ना, रेल का ही छोटा रुकाव समझ लो, तो उस समय रेल को स्टीम वगैरह चलते थे ना, तो स्टीमर बोलते थे। तो रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। किनकी? बागान में जो काम करने वाले लोग थे। देखिए यहां पर हमें बहुत चीज सीखने को मिली जीवन में। क्या क्या हमने सीखा बच्चों को मैं जल्दी से आपको दोबारा बताना चाहता हूं। हर एक येलो वाला जो टॉपिक है इनको बहुत अच्छे से समझना है, कहानी में आपको मजा आएगा। असम के जो बागान मजदूर के लिए उनकी आजादी का क्या मतलब था कि वो चार दीवारों से जब आ जा सके और जिसमें उसको बंद करके रखा गया था। और ये कानून कब बना था? तो 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बागान में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, बात मानने से मना कर दिया, उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हरेक को गांव में जमीन मिल जाएगी। मौज कर दी भाई ने, मौज आ गई, अब तो हमें मिलेगी जमीन गांव में। लेकिन वो अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वो रास्ते में फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। किनकी? जो बागान में काम करने वाले लोग थे। तो ये असहयोग आंदोलन में बागान में काम करने वाले लोगों का मानना था, ठीक है, ये उनकी कहानी थी। इधर क्या हुआ? असहयोग आंदोलन फैल चुका था, आपको याद है 1921 में स्टार्ट हुआ था, एक साल बीत चुका था आंदोलन होते होते, ठीक है। यहां पर हमारा पॉइंट नंबर 22 आता है, चोरी चोरा की घटना, जो कि 1922 यानी एक साल बाद हुआ गया कि गोरखपुर स्थित चोरी चोरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। चोरी चोरा में उत्तर प्रदेश का ये जगह है, तो गोरखपुर के अंदर चोरी चोरा जगह में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के बीच क्या हुआ? हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। फिर से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि फिर से लोग हिंसा पे उतर आए। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, बहुत सारे पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, तो बहुत लोग मारे गए थे। तो जब गांधी जी ने ये चोरी चोरा की घटना सुनी तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उन्होंने कहा था क्या? अहिंसा, हिंसा मत करना। लेकिन वो टैग करना भूल गए थे लोगों को, है ना, यही मतलब हुआ ना, तो टैग नहीं कर पाए, लोगों को समझा नहीं पाए, तो अहिंसा पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो हिंसा करने लगे, तो आखिरकार गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है बच्चों, यहां से ये जो आपका आंदोलन था खिलाफत और असहयोग आंदोलन खत्म होता है।
यहां से स्टार्ट होता है पार्ट नंबर 3 सविनय अवज्ञा की ओर। अब नया आंदोलन आने वाला है जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन वापस जा चुका है, पॉइंट नंबर 23 आ चुका है। फरवरी 1922 में यानी लगभग एक साल बाद 1921 से 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है, ये मैंने आपको बताया, उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहों को व्यापक प्रशिक्षण ट्रेनिंग की जरूरत है। उनको समझाना जरूरी है कि आंदोलन तो करना है लेकिन हिंसा नहीं करनी, हिंसक नहीं होना हमें। तो आखिरकार 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग हिंसक होते जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, यहां पर बीच में एक टॉपिक आता है जिसमें आपको याद रखना है स्वराज, स्वराज पार्टी के बारे में, जो कि पॉइंट नंबर 24 होगा। ये स्वराज पार्टी क्या थी ये आपको समझाता हूं। ठीक है, कांग्रेस के नेता, कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। अब कांग्रेस के नेता भी ना पक चुके थे, बार बार आंदोलन करते हैं गांधी जी, वापस ले लेते हैं, है नहीं, अंदर की बात बता रहा हूं आपको। तो बार बार आंदोलन करते हैं गांधी जी, फिर वापस ले लेते हैं, हम थक गए, कांग्रेस के लोग बातचीत कर रहे हैं, परेशान हो गए इस आंदोलन से, तब क्या किया जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, जो इधर अंग्रेजों ने क्या गेम खेला, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना दिया, इसके तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। तो कांग्रेस के कुछ नेता जो थक चुके थे जनसंघर्षों से, वो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषद जो चुनाव होने वाले थे उसमें हिस्सा लेना चाहते थे कि अब आंदोलन छोड़ो, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हिस्सा लेंगे और हिस्सा लेकर अंग्रेजों का विरोध करेंगे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए, यानी हम पार्लियामेंट में रहकर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना कि वह महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है, उनका यह मानना था कि अगर हम परिषद में चुने जाएंगे तो हम ब्रिटिश नीतियों का अच्छे से विरोध कर पाएंगे, हम सुधार कर पाएंगे, हम वकालत कर पाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि ये जो परिषदें अंग्रेजों ने बनाई है ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे, ये दुनिया को हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं, इसके लिए हमें चुनाव में भाग लेना पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस के कुछ नेता मानते थे। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। कांग्रेस के अंदर एक छोटी पार्टी बन गई स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी किन के लिए था? स्वराज पार्टी वो लोग थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो प्रांतीय परिषद में चुनाव होने वाले थे उसमें हिस्सा लेने चाहते थे। तो उन लोगों ने कांग्रेस के अंदर एक दूसरी पार्टी बना ली जिसका नाम था स्वराज पार्टी। क्लियर होगी सारी बातें, स्वराज पार्टी के बारे में सारी बातें समझ में आ गई? ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, एक बार फटाफट समझ लेते हैं। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्ष से थक चुके थे, वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय समिति चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना ज्यादा आसान है, सुधारों की वकालत करना और ये दिखाना महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ने परिषद में वापस लौटने के लिए यानी चुनाव में भाग लेने के लिए कांग्रेस के अंदर ही एक दूसरी पार्टी बना दी जिसका नाम रखा गया क्या? स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी किन्होंने बनाई थी? स्वराज पार्टी बनाई थी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कि कांग्रेस के अंदर बनी थी। और क्यों बनी थी? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो परिषद के चुनाव होने वाले थे उसमें हिस्सा लेना चाहते थे। ठीक है, तो यहां पर आपका पॉइंट नंबर कौन सा था? ये 24 आपका था शायद, स्वराज पार्टी। ठीक है, अब आ जाते हैं 25 पे। 25 पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा हमारा। दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल दी। अभी ये सब चल ही रहा था, बीच में कुछ भयंकर घटित हुआ। क्या? एक तो बच्चों आर्थिक मंदी उत्पन्न हो गई, पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी हो गई। अब आर्थिक मंदी क्या होता है? आर्थिक मंदी वो स्थिति होती है जिसके अंदर जो काम धंधे होते हैं वो बंद हो जाते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इसको बोलते हैं आर्थिक मंदी। अभी 2008 में भी हुआ था वर्ल्ड में, आर्थिक मंदी आया था, अगर आप थोड़ा सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा। बे फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं।
तो दो ऐसे तत्व हुए थे उसी समय भारत में, ऐसे दो तत्व हुए थे जिसने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल दी। वो कौन कौन से थे? तो पहला था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और दूसरा है ये साइमन कमीशन। ये दो याद रखना, ठीक है। ये आप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल दी, वो दो चीज क्या थी? तो एक तो ये बताओगे आप, एक तो आपको ये बताना है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का नाम लेना है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का नाम लेना है, और दूसरा आपको साइमन कमीशन के बारे में नाम लेना है, ठीक है। तो मैं आपको वन बाय वन समझा देता हूं कि ये क्या है। तो ये दो बातें समझ में आ गई, दो तत्व कौन कौन से थे, एक तो आर्थिक मंदी जिसने भारतीय राजनीति को बदल दिया, और दूसरा था साइमन कमीशन। ये दो चीज ऐसे हुई जिसने भारतीय राजनीति को बदल दिया। तो अब यहां से पॉइंट नंबर 26 स्टार्ट होगा कि आर्थिक मंदी क्या था और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। स्टार्ट करते हैं आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमत गिरने लगी, कृषि उत्पाद की कीमत गिरने लगी, और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी होगी, मतलब कृषि चीजों की कीमतें बिकिन रहा था, सामान ही बिकिन, इसी को बोलता है आर्थिक मंदी, जब सामान बिकना बंद हो जाता है। तो कृषि की जो पैदावार थी उसकी कीमतें बहुत ज्यादा गिर गई थी, कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। अब किसानों के माल ही नहीं बिक रहा था तो वो लगान कहां से चुकाएंगे, क्योंकि आर्थिक मंदी इसी को बोलते हैं। आर्थिक मंदी में होता क्या है कि कृषि उत्पादों की मांग जो होती है वो गिर जाती है, तो लोग कोई खरीदता नहीं है, तो किसानों के ऊपर बेचना मुश्किल हो गया, वो बेच ही नहीं पा रहा था क्योंकि सामान बिक नहीं रहा था, तो जब सामान बिकेगा नहीं तो लगान चुकाएंगे कैसे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने, उसी समय ब्रिटेन में एक टोरी सरकार आई थी, उन्होंने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था, और वो आयोग कौन था? तो वो साइमन कमीशन था। तो साइमन कमीशन आ जाएगा पॉइंट नंबर 27। देखिए आपको इस चीज समझना पड़ेगा, पहला अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ना बच्चों, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे दो तत्व बताओ जिसने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल दी, तो एक आएगा आपका आर्थिक मंदी और एक आपका आएगा साइमन कमीशन। दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, यानी पॉइंट नंबर 26 और पॉइंट नंबर 27, ये दोनों आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन अलग अलग क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि आर्थिक मंदी क्या होता है या साइमन कमीशन क्या होता है। तो आर्थिक मंदी मैंने आपको समझा दिया, ये जो अभी अभी समझाया था आर्थिक मंदी आपको समझा चुका हूं मैं। आर्थिक मंदी में मैंने आपको क्या समझाया कि 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी, 1930 के बाद तो बिल्कुल ही धराशायी होगी, कृषि उत्पादों की मांग गिरी तो निर्यात कम होने लगे, किसानों की अपनी उपज बेचना मुश्किल हो गया, लगान चुकाना भारी पड़ने लगा। और दूसरा साइमन कमीशन, देखिए ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन कमीशन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, ठीक है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, लोग नारा लगा रहे थे साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, इनके नारों से किया गया। तो जब साइमन कमीशन भारत आया तो जितने भी लोग थे, जो कांग्रेस के लोग थे, जो मुस्लिम लोग के लोग थे, सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया, सबने हिस्सा लिया, कॉमन लोगों ने हिस्सा लिया, और सबने कहा क्या, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन तुम वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हें साइमन कमीशन, बेकार कमीशन है तुम्हारा। तो ये साइमन कमीशन के बारे में छोटा सा टॉपिक है, यही आपका पॉइंट 28 याद रखना है साइमन कमीशन के बारे में। खास बात कि साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया, याद रखना लाला लाजपत राय पर हमला किया था। साइमन कमीशन के विद्रोह के दौरान पुलिस वालों ने लाला लाजपत राय के सर पर डंडा मार दिया था, जिस प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। और जब इसकी इंक्वायरी की गई तो पता लगा कि जानबूझ के मारा गया था उनके सर पर। साइमन कमीशन के खिलाफ जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे ना, तो ब्रिटिश पुलिस ने जानबूझ के लाला लाजपत राय जी के सर पर मारा था डंडा। इस प्रदर्शन के दौरान उनके गहरे जख्म हो गए और जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। तो ये पॉइंट नंबर 28 आप अलग से याद रखना लाला लाजपत राय जी के बारे में, ठीक है। पॉइंट नंबर 29 पे आते हैं, अब विद्रोह बढ़ता चला गया। पॉइंट नंबर 29, तो अब आता है डोमिनियन स्टेट्स। अब विद्रोह बढ़ रहा था तो अब अंग्रेजों ने देखा कि ये हमारे कंट्रोल से जा रहा है मामला बाहर, अब क्या करें, तो उन्होंने डोमिनियन स्टेट वाली एक नीति अपनाई। क्या? इस विरोध को शांत करने के लिए, यानी साइमन कमीशन गो बैक के विरोध को शांत करने के लिए वारसराय लॉर्ड इरविन ने
अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया कि भारत को हम डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा कि हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, यानी हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, डोमिनियन स्टेट देंगे आपको, लेकिन इसके लिए हमें गोल मेज सम्मेलन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी बैठकर। तो डोमिनियन स्टेट था 29। और ये क्यों लाया गया था? ताकि जो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो गई थी ना, लोग गुस्से में आ गए थे, तो उसको शांत, ये अंग्रेज जो है ना बच्चे, ये बड़े तेज लोग हैं, इनको जोर पड़ती है ना तो ये गधे को भी बाप बना लेते हैं, ये अंग्रेज बड़े बहुत बहुत बदमाश हैं, ये बड़े दिमाग के साथी हैं भाई, इनके चक्करों मत पड़ना, इनको जोर पड़ेगी तो गधे को भी बाप बना लेते हैं और फिर लात भी जल्दी मारते हैं। तो जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, लोग गुस्से में आ गए, तो इन्होंने गेम खेला डोमिनियन स्टेट का। इस विरोध, देखो लिखा हुआ है बकायदा बुक में लिखा हुआ है, इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1937 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमेज सम्मेलन ऐलान कर दिया कि ठीक है हम डोमिनियन स्टेट आपको दे देंगे। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भारत भावी संविधान यानी भविष्य के संविधान की चर्चा के बारे में हमें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे, आओ चलो हम बातचीत करेंगे। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तीव्र अपनाने लगा। उदारवादी मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। कुछ लोग तो थे कि डोमिनियन जो बात गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है चलो अपना लेते हैं, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी थे और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो इसके खिलाफ थे। तो आखिरकार अब क्या आता है, तो पूर्ण स्वराज की मांग आती है। ठीक है, तो यहां पर आपका पॉइंट नंबर आता है 30, पूर्ण स्वराज की मांग जो कि की गई थी 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, तो समझिए दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, कहां पे? लाहौर, जो पाकिस्तान में है। तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया कि अब हम अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, पूरा देश लेकर रहेंगे, पूर्ण स्वतंत्रता लेकर रहेंगे। यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। और 26 जनवरी 1930 को ही उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मना लिया और इसी दिन लोगों को शपथ दिलवाई गई कि हम अब पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। बच्चों, इस दिन के कारण ही भारत का संविधान स्पेशल 26 जनवरी को ही लागू किया गया था, केवल इसी डेट को याद रखने के लिए। 26 जनवरी 1930 पहला ऐसा डेट था जिसमें भारत के लोगों ने पूर्ण स्वराज के लिए कसम खाई थी, स्वतंत्रता दिवस मनाया था और पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष के लिए शपथ ली थी, कसम खाया था उन्होंने कि हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे 26 जनवरी को। तो इसी दिन को याद करने के लिए भारत का संविधान भी स्पेशली 26 जनवरी को ही लागू किया गया था बाद में। ठीक है, चलिए यहां हो गया 30 पॉइंट। अब आते हैं नमक यात्रा 31, हमारा नमक यात्रा शुरू हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, डे बाय डे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब नमक यात्रा में क्या हुआ, पॉइंट नंबर 31, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, क्योंकि नमक हर कोई खाता है, हर किसी को चाहिए। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। जो गांधी जी थे उन्होंने 31 जनवरी 1930 को वायसराय जो इरविन थे उनको एक खत लिखा, उसमें 11 मांग रखी कि मेरी 11 बात मान लिया जाए। इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में था। इन 11 में से एक मांग थी उनकी, नमक के ऊपर जो कर लगता है यानी टैक्स लगता है, जो नमक के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको खत्म कर दिया जाए, ये उनकी मांग थी। अगला, महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम था, चेतावनी थी। उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी, एक नया आंदोलन शुरू कर देगी कांग्रेस। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, अब अंग्रेज कहां मानने वाले, वो तो अपने ही एक्ट में थे, हम नहीं मानेंगे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। अब जब उन्होंने नहीं मानी तो गांधी जी और 78 जो उनके वॉलंटियर थे उन्होंने नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर खत्म होती थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक 24 डेज तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया।
6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार गांधी जी ने नमक बना दिया, ये सिंबल देने के लिए कि अंग्रेजों अब नहीं आएंगे तुम्हारे चक्कर में हम। तो नमक यात्रा याद रखोगे। चलिए वह चलिए आपको समझाते हैं नमक यात्रा के बारे में। देश को एक जो अब चैप्टर आसान है, अब चैप्टर सिस्टमैटिक चलेगा, बीच में बहुत सारा आंदोलन थे, अब चैप्टर सिस्टमैटिक है। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखता था। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने 11 मांग रखी। उन 11 मांगों से एक मांग क्या था कि नमक कर को खत्म कर दिया जाए। महात्मा गांधी का यह पत्र अल्टीमेटम था उनके लिए। उन्होंने कहा कि भाई 11 मास तक मेरी बात मांग लो वरना हम एक आंदोलन छेड़ देंगे जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे, अंग्रेज मानने को तैयार नहीं। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 78 वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी का आश्रम से 240 किलोमीटर दांडी नामक गुजरात के तटीय कस्बे तक जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली 24 दिन तक रोज पैदल चलते के 10 मील रोज वो तय करते थे। जहां रुकते थे वहां पर वो भाषण देते थे तो लोग उनकी बात सुनने भी आया करते थे। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। तो ये थी नमक यात्रा जो कि आपका पॉइंट नंबर था 31। अब शुरू होगा पॉइंट नंबर 32 जो कि हमारा अगला टॉपिक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पॉइंट नंबर 32 सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था। देखिए असहयोग आंदोलन में क्या था, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि सहयोग मत करो, आप स्कूल छोड़ दो, आप कॉलेज छोड़ दो, आप वकालत मत करो, उसमें असहयोग की बात की थी। ठीक है, सहयोग मत करो, अंग्रेजों का सहयोग मत करो। बट बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने कहा कानून तोड़ो, जो कानून बना रखा है ना अंग्रेजों ने उसको तोड़ो। मुझे लगता है गांधी जी को गुस्सा आ गया होगा, है ना। चलिए, इस बार लोगों को ना केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया कि जो औपनिवेशिक कानून है यानी अंग्रेजों ने जो कानून बना रखे हैं उसका उल्लंघन कीजिए। पहली बार ऐसा हुआ था, देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, हजारों लोग नमक बनाने लगे और नमक कानून तोड़ने लगे। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी जो पहले हुई थी, किसानों ने लगान और चौकीदार कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे, बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे, औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं का गिरफ्तार करने लगी। अच्छा पहले बताओ, मुझे बताओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन समझ में आ गया बच्चों? सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने कहा था कि औपनिवेशिक कानून को तोड़ो, जो अंग्रेजों ने कानून बना रखा है आप उसका उल्लंघन कीजिए। पहली बार ऐसा हुआ था तो ये यहां पर बोला गया। इस बार लोगों को ना केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए बोला गया। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदार चुकाने से मना कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे, बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले जो लोग थे वो वन कानून का उल्लंघन करने लगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से फैल गया। ये आपका पॉइंट नंबर 32 था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन आपको पता है अंग्रेज इतनी जल्दी तो मानेंगे नहीं, तो अंग्रेजों ने सरकार ने निर्मम दोहन का रास्ता अपनाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो अंग्रेजों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको दबाया कैसे, उसको रोका कैसे। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसको दबाया कैसे, अंग्रेजों ने रोका कैसे। तो यहां पर स्टार्ट होगा पॉइंट नंबर 33 कि सरकार ने दोहन कैसे करा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। औपनिवेशिक सरकार ने, अंग्रेजों ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बंद वक्त गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए, बहुत सारे लोग मारे गए। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया
तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियां नगर पालिका भवन अदालतों रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। फिर से शुरू हो गया। आखिरकार भयभीत सरकार ने निर्मम दोहन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहों पर हमले किए गए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया। लगभग एक लाख लोग समझ रहे हो गिरफ्तार किए गए इसके अंदर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर। तो बच्चों यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार सरकार ने निर्मम दोहन का रास्ता अपनाया, क्यों अपनाया? या आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकार ने कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका, सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे रोका? तो आप क्या बताओगे कि औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी? अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित नेता अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए, बहुत सारे लोग मारे गए। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के जो औद्योगिक मजदूर थे उन्होंने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों नगर पालिकों भवनों अदालतों और रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। शांतिपूर्ण सत्याग्रहों पर हमले किए गए, औरतों बच्चों को मारा पीटा गया, लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार हो गए। तो ये था पॉइंट नंबर 33 कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे दबाया गया या सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे रोका गया। अब जब ये हो रहा था और गांधी जी ने फिर से देखा कि फिर से हिंसा फैल रही है, तो अब क्या हुआ कि गांधी और इरविन समझौता हुआ। क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता, जो कि आपका पॉइंट नंबर होगा 34। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गांधी इरविन समझौता, जो कि हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। सॉरी बच्चों, नाउ 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इन्होंने गांधी जी ने इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। और जो पहला, ये दूसरा बोलेंगे ना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी, मना कर चुकी थी कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेने के लिए गांधी जी ने सहमति कर दी। तब आपको बताऊं, बाद में रिसर्च से क्या पता लगा कि इरविन, ये मतलब ना जो अंग्रेज है बड़े चालू लोग हैं, तो अब उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए गांधी इरविन समझौता कर लिया गांधी जी के साथ कि आप लंदन चलिए और वहां बैठकर बातचीत करेंगे, गोलमेज सम्मेलन करेंगे और जो आपकी मांगे देखी जाएगी। तो इधर आंदोलन शांत हो गया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी ने लंदन में जाने वाले गोलमेज सम्मेलन हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। इसके बदले सरकारी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई कि जितने भी कैदी हैं उनको हम रिहा कर देंगे। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए, वहां चले गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराशा वापस ली। अब होना वही था, अंग्रेज तो चाहते नहीं थे कुछ, तो यह वार्ता बीच में टूट गई और गांधी जी को वापस लौटना पड़ा। समझ लो मेरी बात को। तो ये फिर से आंदोलन, ये जो आंदोलन चला था ये फिर से शांत हो गया। क्यों? अंग्रेज का काम क्या है? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो, शासन करो। कोई मामला बिगड़ गया है तो ऐसा कुछ करो ताकि ये मामला अभी निपटा लो, बाद में देख लेंगे। तो 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी जी मान गए कि लंदन चलेंगे और दूसरे गोलमेज में भाग लेंगे। उसके बदले उन्होंने जितने भी राजनीतिक कैदी थे उसको रिहा कर दिया अंग्रेजों ने। 1931 में जब वो सम्मेलन के लिए लंदन गए, वहां वार्ता बीच में टूट गई और वो वापिस आ गए। ये कौन सा पॉइंट था? ये था आपका पॉइंट नंबर 34, गांधी इरविन समझौता। अब आएगा पॉइंट नंबर 35, ठीक है? यहां आकर उन्होंने क्या पाया? तो जब गांधी जी लंदन से वापस आए दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो उन्होंने क्या देखा, क्या बदलाव देखा? उन्होंने देखा कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों, बहिष्कारों जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन अब वो बात नहीं आएगी बच्चों, एक बार आग पर पानी डाल दिया, अब आग कितना भी भड़क ले ज्यादा नहीं उछलेगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा कि जब गांधी जी वापिस आए, लंदन से वापिस आए दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो उन्होंने यहाँ पे क्या पाया? उन्होंने देखा
कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया, सभी को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों को जेल में डाल दिया, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, सभाओं प्रदर्शनों बहिष्कारों जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने लगे थे। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। तो अब यहां पर दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो क्या अब लोगों ने पार्टिसिपेट करा दूसरी बार में? तो यहां पर हमारा पॉइंट नंबर होगा कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसको हम लोग सिविल ना फरमी ना फरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो ध्यान रखना, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका दूसरा नाम यह भी है सिविल ना फरमी, ठीक है, सिविल ना फरमानी इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है ये। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाए या सिविल ना फरमी फरमानी आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है। तो लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था इसमें लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया? तो सबसे बात करेंगे किसानों की, सबसे पहले किसानों की, ठीक है। तो किसानों ने, पॉइंट नंबर 36 होगा हमारा ये, संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया, उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया, देखो इस चीज को ध्यान दो, जब आंदोलन को वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि लंदन से वापस आए तो 1932 में दोबारा आंदोलन शुरू हुआ, तो उनमें से बहुतों ने उसमें से हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, कोई फायदा तो होना नहीं, गांधी जी हर बार आंदोलन वापस लेते हैं, चलो भाई अपने काम पे लगो, वापस चलते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 36 है कि संपन्न किसान जो थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसे भाग लिया। पॉइंट नंबर 36 पढ़ रहे हैं कि जो संपन्न किसान थे, बच्चों जो संपन्न किसान थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट करा, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, समर्थन किया, उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया, उनके लिए स्वराज की लड़ाई का मतलब था भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी, कि भाई लगान जो अंग्रेज ले रहे हैं उनके खिलाफ थी वो। लेकिन जब 1931 में लगान घटाए बिना आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, और जब 1932 में दोबारा आंदोलन शुरू भी हुआ तो उन्होंने इनकार कर दिया, अब नहीं पार्टिसिपेट करेंगे हम लोग। अब बात करेंगे गरीब किसान की, पॉइंट नंबर 37 आ गया कि जो गरीब किसान थे, जो गरीब किसान है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, गरीब किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट करा। तो चलिए, गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। देखो, गरीब किसान से लगान भी वसूला जाता था और जो जमींदार थे वो उनसे भाड़ा भी लेते थे जमीन का। तो गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जो जमींदार हमसे भाड़ा ले रहा है जमीन का उसको माफ कर दिया जाए। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्राय हिचकती थी। अब अगर मान लीजिए कि कांग्रेस ने कह दिया ठीक है ये भाड़ा जो है आप मत दो, जो छोटे किसान है, तो बड़े किसान अमीर किसान बन जाएंगे। तो अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के वजह से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन के समर्थन देने में प्राय हिचकती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे, यानी अधिकतर जो गरीब किसान थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया। दोबारा बताऊं मैं आपको, एक बार और अच्छे समझना चाहते हो, चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि गरीब किसानों ने सविनय अवज्ञा, पॉइंट नंबर 37 चल रहा है कि गरीब किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कैसे पार्टिसिपेट किया। तो गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जमींदार उनसे जो भारी किराया ले रहे हैं उसे माफ कर दिया जाए। अब अमीर किसान और जमींदारों का नाराज हो जाते, कांग्रेस से नाराज हो जाते अगर कांग्रेस ये कह देती कि भाई गरीब किसानों तुम भाड़ा मत दो, अरे गरीब किसानों बच्चों तुम भाड़ा मत दो। अब अगर ये बोल देगी तो बड़े अमीर किसान है वो नाराज हो जाएंगे। तो अमीर किसानों जमींदारों के नाराजगी से भय से कांग्रेस ने भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने से प्राय हिचकती थी, मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो गरीब किसान और कांग्रेस के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे, तो जो गरीब किसान थे उन्होंने भाग नहीं लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है, पॉइंट नंबर 37 था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 38, जो व्यवसायी वर्ग है, जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। तो इसका आंसर यहां पर है बच्चों, ये चलिए ठीक है, ये पॉइंट अलग है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लो। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास
और जी डी बिरला, जाने माने नाम है ये भारत के, पुरुषोत्तम दास और ठाकुर दास और जी डी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, यानी उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का साथ दिया और पहले सिविल नाफरमी आंदोलन का समर्थन किया, यानी उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया जो उद्योगपति थे उन्होंने। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, पैसे भी दिए इस आंदोलन के लिए, और आयतित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया, और जो अंग्रेज के समान भात मारते थे उनको खरीदने से और बेचने से मना कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी। अब ये जो व्यवसायी लोग थे ये सोचते थे कि जब हमें आजादी मिल जाएगी ना तो हमारे कारोबार और पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होगी, अंग्रेज इन पर पाबंदी नहीं लगाएंगे और व्यापार व उद्योग निर्बाध रंग से फल फूल सकेंगे, यानी हमारे बिजनेस और अच्छे से, यानी अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारा व्यापार और उद्योग बहुत अच्छे से फले फूलेंगे, बढ़िया से चलेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे व्यवसायी वर्ग के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्यवसायिक वर्ग के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या मतलब था। तो व्यवसायिक वर्ग यानी बिजनेस क्लास के लिए आपको बताना है कि उनके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या मतलब था। तो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जी डी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपति के नेतृत्व में उद्योगपति ने भारतीय व्यवस्था और औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और उन्होंने सिविल नाफरमी यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी, पैसे भी दिए इस आंदोलन के लिए, और आयतित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से मना कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी, यानी अंग्रेज चले जाएंगे तो ये पाबंदियां बंद हो जाएंगी और व्यापार उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे, बढ़िया से हम बिजनेस कर पाएंगे, तो इनको भगाओ, अंग्रेजों को भगाओ, इसलिए उन्होंने पैसे भी दिए इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए। अच्छा, बीच में छोटा सा पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 39, आज भी है ये इंडिया के अंदर, आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा फिक्की। ठीक है, फिक्की जो है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, आप थोड़ा सर्च मारना मिल जाएगा आपको, गूगल पे जैसे आप फिक्की लिखोगे आपको आ जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी है। तो ये बना कैसे था ये समझिए, व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। हुआ क्या था कि जो जितने भी व्यापारी थे, कारोबार करने वाले लोग थे, उन्होंने ना दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो उसके नाम पूछे जाते हैं कि वो कंपनी और ईयर पूछेंगे, उसका नाम पूछेंगे। तो अपने व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एवं कमर्शियल कांग्रेस, इसकी स्थापना करी और उसके 7 साल बाद यानी 1927 में फिक्की की स्थापना हुई थी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट नंबर 39 थोड़ा बीच में अलग कर लेना, ठीक है, वापस टॉपिक पर आते हैं। तो आखिरकार जो व्यवसायी थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का साथ दिया, उन्होंने पैसे दिए, किन्होंने पैसे दिए, व्यवसायिक वर्ग ने, क्यों, ताकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको बढ़ाया जा सके, और ये क्यों बढ़ाया जा सके, ताकि अंग्रेज भागे और हम अच्छे से बिजनेस कर सके। ठीक है, नाउ जो उद्योग में जो श्रमिक वर्ग थे, यानी जो लेबरर्स थे, उनका क्या रोल था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ये पॉइंट नंबर 40 हो जाएगा आपका। ठीक है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग यानी उद्योग में काम करने वाले लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। अधिकतर जो मजदूर थे, जो बिजनेस में काम करते थे फैक्ट्रियों में, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, नागपुर में थोड़ा ज्यादा पार्टिसिपेट किया उन्होंने। कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य परिस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में जोड़ दिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की तीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां और बहिष्कार अभियान में हिस्सा लिया। कहने का मतलब यह है कि जो उद्योग में काम करने वाले श्रमिक थे, जो श्रमिक वर्ग था, जो लेबर क्लास था इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में भाग नहीं लिया। हालांकि कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं कि उन्होंने
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य पद्धति के खिलाफ अपनी लड़ाई को जोड़ दिया, यानी उनको कहीं ना कहीं अंग्रेजों के, मैंने आपको बताया था ना कि एक गुस्सा है दूसरा भी गुस्सा है तो दोनों आपस में मिल गए अंग्रेज के खिलाफ, तो उन्हें लगता था कि भाई हमारी जो कार्य परिस्थिति है वो सुधार होगा, तो इसलिए वो गांधी जी से जुड़ गए। 1930 में रेलवे कामगारों और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टिन कारखानों में हजारों मजदूर ने गांधी टोपी पहन ली और पहनकर रैलियां करी और बहिष्कार अभियानों का हिस्सा लिया। तो काफी हद तक हम ये देखें तो औद्योगिक श्रमिक भी थोड़े बहुत पार्टिसिपेट कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 40 था। अब पॉइंट नंबर 41 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 41 में पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों की क्या भूमिका थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों की क्या भूमिका थी, अब हम पढ़ेंगे औरतों की भूमिका सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, पॉइंट नंबर 41 है आपका। तो सिविल नाफर्मी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। पहला पॉइंट आपको यही मिल गया कि उन्होंने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। ठीक है, दूसरा, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजार औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आती थी। उन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया, नमक भी बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पैकिंग भी करी। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज्यादातर जो ऊंची जातियों की महिलाएं थी वो सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। तो आखिरकार हम इस टॉपिक से ये भी जान पाए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उनमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपसे अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों की क्या भूमिका थी, तो क्या पॉइंट बताओगे? पहला पॉइंट तो आप यही बताओगे कि सिविल नाफर्मी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजार औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी, उन्होंने जुलूस में हिस्सा लिया, नमक भी बनाया, ठीक है, औरतों ने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पैकिंग करी। पैकिंग में मैंने पिकेटिंग आपको समझाया था, पिकेटिंग याद है आपको क्या होता है? ये दुकान है, ये शॉप है, बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति आएगा जिसको शराब लेना है वो इनको क्रॉस करके आएगा ना, तो विरोध करना पड़ेगा। वो विरोध खड़े होकर लाइन बना के खड़े हो गए, दो तीन लाइन बना के खड़े हो गए दुकान के आगे, ताकि वो व्यक्ति आ ही ना पाए दुकान पे, इसे पिकेटिंग कहते हैं। तो शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की, बहुत सारी महिलाओं जेल भी गई बेचारी। शहरी इलाकों में जाता जो ऊंची जाति की महिला थी वो सक्रिय थी। ग्रामीण इलाकों में देखें तो संपन्न किसान थे, उनकी घर की महिलाएं जो थी वो आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। ठीक है, तो ये महिलाओं की भूमिका हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये चीज पढ़ा देता हूँ, आप याद करना मत करना, पढ़ा देता हूँ। ये आपका पॉइंट नंबर कितना था? ये आपका 41 पॉइंट था। ठीक है, एक चीज आपको पढ़ा देता हूँ आपको। गांधी जी का आह्वान के बाद औरतों का राष्ट्र की सेवा करना अपने पवित्र दायित्व दिखने लगा, मतलब औरतों को लगा कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था, ये एक पेपर मैंने यूट्यूब पर देख लिया था तो आपको बता देता हूं, गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। तो एक मैंने यूट्यूब में देख लिया था, उन्होंने पूछा था कि गांधी जी का क्या मानना था औरतों के प्रति। तो गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ बनना, अच्छी पत्नी बनना, इनकी भूमिका निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। ये आप अलग से याद करना चाहो तो याद कर लेना। इसे लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति दिलचस्पी थी, मतलब चाहते थे पार्टिसिपेट करें लेकिन वो उनको पोजीशन नहीं देना चाहते थे। तो ये अलग से याद कर लेना। बेफिलहाल यहां पर हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 42 में। क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले याद कीजिए 1918-19 में क्या हुआ था। तो बाबा रामचंद्र, याद आया आपको, उत्तर प्रदेश के किसान संगठित किए थे उन्होंने, ये किसानों के मसीहा थे उस समय। 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट, याद कीजिए, रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधीवाद हड़ताल हुए थे, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। फिर 1921 में क्या हुआ था? तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने 1921 में। 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1924 में क्या हुआ? तो सीताराम राजू, याद कीजिए, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ सर जी, मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ और ये मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, मैं बता भी रहा हूँ। सीताराम राजू के बारे में आपको याद है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उन पे उनको क्या कर दिया गया, फांसी चला दी गई थी। 1929 में क्या हुआ? तो लाहौर अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करी। 26 जनवरी के बारे में आपको बताया था, 26 जनवरी की कहानी आपको बताई थी। 1930 में अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, ये आप पढ़ोगे, अभी आएगा, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, गांधी जी के नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दी। मार्च 1931 में क्या हुआ? तो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते, फिर से वही होगा, वापस होगा आंदोलन फिर से। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। 1932 में क्या हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से
प्रारंभ हो गया था, जो मैंने आपको कहा था जो लंदन से वापस आए थे तो उन्होंने फिर से शुरू कर दिया था। तो एक काम कर लेना, इसे पॉइंट नंबर 42 बना लेना, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, और इनको एक साथ देख लेना ताकि आपको बार बार, वैसे पूरा चैप्टर पढ़ो तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी लिख लेना, मैं यही कहूंगा, एडवाइस दूंगा कि एक जगह लिख लेना। नाउ सविनय अवज्ञा की सीमाएं, पॉइंट नंबर 43, सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी? क्या सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं था, सभी लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो वो कौन थे जो सविनय अवज्ञा में शामिल नहीं थे? तो वो आएगा सविनय अवज्ञा की सीमाएं। तो एक तो थे अछूतों का समूह, जिसे हम आजकल क्या बोलते हैं, एससी के अंदर बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, ठीक है, उस समय उनको दलित बोलते थे। तो एक तो अछूतों का समूह जो था, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और दूसरा जो आपको, आप नीचे पढ़ोगे इसमें आपको मिलेगा कि जो मुस्लिम राजनीति थे या मुस्लिम जो लोग थे, उन्होंने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया आपके इस आंदोलन के अंदर, ठीक है। तो यही हम दो पॉइंट पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा की सीमाएं। पहली सीमा, सभी सामाजिक समूह की स्वराज की अमूर्त अवधारणा के से प्रभावित नहीं थे। ऐसा एक समूह था राष्ट्र के अछूतों का था, वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे। तो जो दलित लोग थे या जिनको अछूत कहते थे या दलित कहते थे, तो वो लोग जो थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा, पहला। और दूसरा पॉइंट यहां मिलेगा आपको, भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुस्लिमों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। तो बच्चों, अगर आपके एग्जाम में यह है ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, तो सर दो सीमाएं थी। कौन कौन सी सीमा मैंने आपको बताया, याद रखोगे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की दो सीमा मैंने आपको बताया, एक तो बताया अछूतों का, जिनको हम दलित बोलते थे उस समय, और दूसरा आप मुसलमानों के बारे में लिख सकते हैं कि उन्होंने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया इस आंदोलन के लिए। दो पॉइंट जल्दी बता दूं मैं आपको, सभी सामाजिक समूह स्वराज के अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा एक समूह था अछूतों का, जो 1930 के बाद खुद को दलित कहते थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। और दूसरा ये भी ऐड कर सकते हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी, तो दलित लोग जो थे बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का बड़ा तबका जो था कांग्रेस से कट चुका था, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था इन आंदोलन, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, जिसमें दो लोग बताने, दलित के बारे में और मुसलमानों के बारे में। नाउ यहां पर आपको एक चीज देखिए, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि गांधी जी, महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि वो छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो उन्होंने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए, गांधी जी क्या मानते थे अछूतों के बारे में या दलित के बारे में या अछूतों के बारे में, उनकी क्या राय थी? तो ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं आपको वन बाय वन समझा देता हूँ। और ये इंटरव्यू वगैरह पूछे जाते हैं, अगर आप बड़े लेवल की सोच रहे हो तो इंटरव्यू बहुत पूछते हैं कि गांधी जी ने छुआछूत को खत्म करने के लिए क्या किया या उनकी क्या सोच थी छुआछूत के लिए। तो स्टार्ट करें, ये आपके लिए बहुत खास होने वाला पॉइंट, ध्यान देना कुछ बच्चों के लिए। महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती, यानी पहले हमें छुआछूत को खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने अछूतों को हरिजन या ईश्वर की संतान बताया, हरिजन, हरि मतलब साक्षात विष्णु और जन मतलब लोग, यानी उन्होंने कहा कि हरिजन है ये हरिजन है, ये साक्षात ईश्वर के संतान है। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुएं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वाले, जो मैला उठाते थे उनको ढोने वाले के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया, उन्होंने बड़ी जातियों से रिक्वेस्ट करा, लोगों से रिक्वेस्ट करा कि वे अपना हृदय परिवर्तन करे और अपवित्रता से पाप को छोड़े, यानी छुआछूत के पाप को छोड़ दे। ये गलत है, ये पाप है, आप किसी मनुष्य के खिलाफ आप छुआछूत कर रहे हो तो ये पाप है, ऐसा गांधी जी बोलते थे, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने छुआछूत को खत्म करने के लिए या दलितों के प्रति उनकी क्या राय थी या छुआछूत के प्रति, कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या बताओगे? पहला पॉइंट, महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने इनको हरिजन यानी हरिजन, हरि का जन, ईश्वर की संतान बताया।
उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वो खुद शौचालय साफ करने लगे। वो उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वो अपना हृदय परिवर्तन करें। बड़े जो जाति के लोग थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि अपना हार्ट को, अपने हृदय को परिवर्तित करो और छुआछूत के पाप को खत्म कर दो, इसे छोड़ दो। तो ये अलग से पॉइंट था, ये अलग से पॉइंट था जो आपका पॉइंट नंबर बनेगा 44। ये पॉइंट नंबर 44 था कि गांधी जी, महात्मा गांधी ने छुआछूत को खत्म करने के लिए क्या किया था। तो पॉइंट नंबर 44 आपका अलग से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 45 आता है, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1930 में दलितों के लिए, यानी छुआ जो पिछड़ी जाति थी उनको लिए एक दमित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया था। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लो, क्योंकि पेपर में आता है, ठीक है। तो 45 का पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनकी काफी विवाद हुआ, यानी महात्मा गांधी से अंबेडकर जी का विवाद हो गया था उस समय। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर जी की मांग मान ली तो गांधी जी आवरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। चलिए मैं आपको पूरा समझाता हूँ, हुआ तो मैटर क्या था, पूरा डिटेल समझाना, मेरा मकसद आपको पूरा अच्छे से समझाना। देखिए हुआ क्या था कि अंबेडकर जी चाहते थे, ये अंबेडकर जी हो गए और ये आप गांधी जी समझ लिए, ठीक है बेटा, या आप ऐसे समझ लिए, ठीक है। समझिए, अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों के लिए ना अलग से निर्वाचन क्षेत्र हो जिसमें दलित लोग चुने जाएं, और गांधी जी कहते थे नहीं, ऐसा नहीं, जो नॉर्मल चुनाव होता है, जो नॉर्मल चुनाव होता है उसी के बीच में आप दलितों का चुनाव कीजिए। तो अंबेडकर जी ने एक अलग से अपना एसोसिएशन बना लिया था दलित को लिए, दमित वर्ग एसोसिएशन, ठीक है। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी से उनका विवाद हो गया, क्योंकि अंबेडकर जी क्या कहते थे कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाओ, गांधी जी कहते नहीं सबके बीच में ही दलितों के लिए आरक्षण रखो। तो जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की बात मान लिया, ब्रिटिश तो तुम्हें पता ही है दोनों के बीच में फूट डालने का काम करेगी, उन्होंने अंबेडकर जी की बात मान ली कि ठीक है दलितों के लिए अलग चुनाव होगा। तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में एकीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। अब गांधी जी कहते थे कि आज तो तुम इनके लिए अलग से कर लोगे व्यवस्था, ठीक है, इनको अलग से चुन लोगे, लेकिन ये बाकी लोगों के बीच में फिर कल को कैसे आएंगे, जो बाकी समाज है, जो बड़ी जाति जो अपने आप को कहती है, वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप इनके बीच में इनको चुनोगे तो ये एक्सेप्टेबल होगा उनको, तो बाद में ये इनके समाज के बीच में कैसे आ पाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि उनका मत था कि दलितों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर जी को बात समझ में आएगी, उन्होंने गांधी जी की राय मान ली और 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ उस पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है गांधी जी, आप ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात मान गया। ये पॉइंट नंबर 45 था, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ आगे बढ़ जाते हैं। अब मोहम्मद अली जिन्ना, इनके बारे में जानना जरूरी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे। तो ये आपका पॉइंट नंबर हो जाएगा 46, ठीक है, 46, ये आ गया 46, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए, सबको आरक्षित सीट चाहिए भैया, सबको चाहिए। तो मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में, ये चुनकर आएंगे केंद्र सभा, उसके अंदर अगर उनको आरक्षित सीटें दे दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी उनको रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए, तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ने के लिए तैयार है। मतलब जिन्ना जी का मानना यह था भाई साहब का, प्रभु बुद्धि दो इनको, जिन्ना का यह मानना था कि मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव हो जाए। जबकि गांधी जी, देखिए वो अंबेडकर जी के खिलाफ भी हुए और वो जिन्ना के खिलाफ भी थे कि ठीक आज तो तुम मुस्लिम के लिए अलग सीट मान रहे हो, ठीक अलग चुनाव करा लो, इनको जीत लोगे, लेकिन कल को जो बाकी लोग हैं वो देखेंगे ना इनके लिए अलग चुनाव हो रहा है, कल को ये इनके बीच कैसे समाएंगे, इनके बीच कैसे एकीकरण होगा। जबकि गांधी जी मानते थे कि चुनाव एक ही कराओ, इनके लिए इसी के में आरक्षित सीट दे दो,
ये मुसलमानों को दे दो, ये अछूतों को दे दो, गांधी जी का ऐसा मानना था, ताकि इनके एकीकरण में आसानी होगी, लोग एक दूसरे को कल को एक्सेप्ट करने लगेंगे। तो जिन्ना का मानना था, मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका कहना था, इन पागलों का ये कहना था, भैया क्या कहना था सुन लो, मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुत प्रांत हो जैसे बंगाल और पंजाब में, मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वह मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे आरक्षित सीट दे दो तो मैं मुसलमानों के लिए अलग चुनाव की मांग को मान लूंगा, तो मतलब आप अलग चुनाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी जी कहते थे आप ठीक है आप सीट ले लो, लेकिन लोगों के एक साथ चुनाव कराओ ताकि आपस में मिलजुल कर रहे हम लोग, लड़े नहीं। लेकिन कौन समझाए, कोई समझने को तैयार नहीं था। तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पॉइंट नंबर 46 पढ़ लेना, ठीक है भाई, आगे आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास, ये जो हमने पढ़ा था ना, ये जो हमने पढ़ा था बच्चों सविनय अवज्ञा की सीमाएं, ये टॉपिक आया था ना सविनय अवज्ञा की सीमाएं, ये आया था ना 43। इसमें एक तो बताया था अछूतों के बारे में कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, एक मैंने आपको मुसलमानों के बारे में बताया था कि उन्होंने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। एक आप ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हो, ये रह गया था, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो समय समुदायों के बीच, अलग अलग समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था, मतलब मुसलमान नहीं चाहते थे कि मिलकर हम लड़े, क्योंकि उनको पहले धोखा एक तरह से मिल चुका था खिलाफत आंदोलन में, तो वो नहीं छोड़ना चाहते थे। तो ये पॉइंट आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर लेना, ठीक है। नाउ एक छोटा सा पॉइंट आप ये भी ऐड कर लेना, ये भी पॉइंट नंबर, क्योंकि हर चीज आप पढ़ के जाओ देखो कुछ भी आ जाता है पेपर में आजकल, 47 ये भी पॉइंट ऐड कर लो। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे पूछेगा, तो मोहम्मद इकबाल, याद रखना 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद इकबाल। उन्होंने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीति हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर जोर दिया था। पृथक निर्वाचिका क्या होता है कि अलग से चुनाव कराओ केवल मुसलमानों के लिए, तो ये मानना था मोहम्मद इकबाल का, जो बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को रखा भी था। तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, तो फिर से आप समझना चाहो समझ लो कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे सर मोहम्मद इकबाल। उन्होंने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका यानी अलग से निर्वाचिका की बात की थी, जोर पर जोर दिया था कि अलग निर्वाचन किया जाए, अलग निर्वाचिका इनका किया जाए। तो ये पॉइंट नंबर आपका 47 होगा, ठीक है। यहां पर हमारा ये तीन टॉपिक खत्म हो चुके हैं, अब हम फोर्थ टॉपिक पाएंगे और यहां से हमारा स्टार्ट होगा सामूहिक अपनेपन का भाव, कि आखिरकार इतने सारी बातें होने के बावजूद भी हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, हम अलग अलग समुदाय में बटे हुए थे, कोई हिंदू कह रहा है, कोई मुस्लिम कह रहा है, कोई अपने आप को अछूत कह रहा है, कोई दलित कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो फिर स्वतंत्रता मिली कैसे, पॉसिबल क्या हुआ, तो वही हम पढ़ेंगे यहां से। तो हमारा पॉइंट नंबर देख लेते हैं कौन सा था, अब तक आपका 47 पॉइंट हो चुका है, तो हम 48 पे पॉइंट पर हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 48। इस पॉइंट पर हम ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है, कि मतलब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना कब उत्पन्न होती है। तो आप आंसर दोगे, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना कब उत्पन्न होगी, जब बहुत सारे लोग ये महसूस करने लगे कि हम लोग एक ही देश के नागरिक हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं और कोई ऐसी बात ढूंढ लेते हैं जो हम सबको एक साथ बांध सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं और आप विदेश में रह रहे हैं, ठीक है, और हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हम अगर मिलते हैं और हमें पता लगता है कि मैं तो भारतीय हूं और आप भी भारतीय हो, तो हमने एक साझा भावना ढूंढ ली कि हम दोनों भारतीय हैं, तो हम आपस में जुड़ गए। या ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग मैं दिल्ली का हूं और आप भी दिल्ली के हो, लेकिन हम दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हम कहीं दूसरी जगह मिलते हैं और पता लगता है मैं दिल्ली का और आप भी दिल्ली के हो, तो हमने कोई बात साझा ढूंढ ली जो हम दोनों में कॉमन है। तो इससे हमारे अंदर एक साझा भावना उत्पन्न हो जाती है अपने जगह के प्रति या अपने देश के प्रति। तो यही पॉइंट यहां पर बताया गया है, आप ध्यान से समझिए कि राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, वो सभी एक ही देश के नागरिक हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं तो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 49 पे आते हैं।
पॉइंट नंबर 49 आपका आएगा कि सामूहिक अपनेपन की भावना उत्पन्न कैसे होती है। तो सामूहिक अपनेपन की भावना भारत में उत्पन्न कैसे हुई थी, तो आंशिक रूप से जो सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्ष यानी हम सब ने जो मिलकर संघर्ष किया था अंग्रेजों के खिलाफ के चलते पैदा हुई थी। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सब में सामूहिक अपनेपन की जो भावना है वो संयुक्त संघर्षों से पैदा हुई थी, क्योंकि हम सबने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम सबने मिलकर एक शत्रु के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो जिसके कारण हम सब में एक भावना उत्पन्न हुई कि हमें एक के खिलाफ लड़ना है। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थी जिसके जरिए राष्ट्रवाद लोगों को कल्पना और दिलों दिमाग पर छा गया। और इस शत्रु से लड़ने के अलावा हमारी बहुत सारी अपनी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थी जिसके कारण राष्ट्रवाद की भावना लोगों के दिलों दिमाग पर छा गया। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। देखिए, एक तो हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए ये तो रीजन था ही कि राष्ट्रवाद की भावना हमारी उत्पन्न हुई थी। इसके अलावा बच्चों, जो हमारे इतिहास और साहित्य है, जो लोक कथाएं, वो गीत है, चित्र है, प्रतीक है, इन सब ने भी हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया, जिसके कारण हमारे अंदर एक राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न होने लगी। तो ये पॉइंट नंबर 49, इस वाले पेज पे हमने दो बातें पढ़ी, एक पॉइंट नंबर 48 और एक पॉइंट नंबर 49। मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट नंबर 48 में हमने समझा कि राष्ट्रवाद की भावना कब उत्पन्न होती है। तो राष्ट्रवाद की भावना तब उत्पन्न होती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझावाद ढूंढ लेते हैं। ऐसा ही पॉइंट नंबर 49 आप पढ़ोगे कि सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। मतलब हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि हमने सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष हमने किया था मिलजुल कर, इसके कारण पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिसके द्वारा राष्ट्रवाद की जो भावना है वो हमारे दिमाग पर छा गया। अगर हम अपने इतिहास की बात करें, अपने साहित्य की बात करें, अपनी लोक कथाओं की बात करें, गीत की बात करें, चित्र व प्रतीक की बात करें, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। तो ये पॉइंट नंबर 49 था। अब पॉइंट नंबर 50 आते हैं, यहां से पॉइंट नंबर 50 आ जाता है, जिसमें आपको भारत माता की छवि याद रखना है। जैसे मैंने आपको यूरोप में दिखाया था कि अलग अलग देशों ने अपने लिए अलग अलग सिंबल चुन लिए थे, तो ऐसे ही भारत ने भी भारत माता की छवि तैयार की गई। तो भारत माता की छवि, ये पॉइंट नंबर 50 होगा आपका। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम, जो राष्ट्र गीत है हमारी, आपको पता है हमारी जो राष्ट्र गीत है, देखिए राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान में फर्क होता है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। एक हमारा राष्ट्र गीत है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, और एक हमारा राष्ट्र गान है जो हम आगे पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण मन, याद रखना है। राष्ट्रगीत क्या है, तो वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, और राष्ट्रगान है जन गण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। बेफिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। भारत माता की छवि, इस छवि का निर्माण की शुरुआत सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे इन्होंने अपने उपन्यास, उनकी एक उपन्यास थी, उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ, याद रखोगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अपनी एक उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ, तो उस आनंद मठ में इन्होंने शामिल किया था किसको, जो भारत का राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, इसको आनंद मठ में शामिल किया गया था। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। अब क्योंकि आप पढ़ोगे इसको तो बंगाली में लिखा हुआ है, ठीक है, ये बंगाली में लिखा गया था, संस्कृत की भाषा में लिखा गया था, तो जब ये बंगाल में इसको स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई तो वंदे मातरम को खूब ज्यादा गाया गया था बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में। तो यहां पर हमने पॉइंट नंबर 50 में जाना
कि भारत माता की जो छवि है वो सबसे पहले तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने ही वंदे मातरम लिखा था जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। इनकी अपनी एक उपन्यास थी जिसका नाम आनंद मठ था और बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम को बहुत ज्यादा गाया गया था। तो ये पॉइंट हमारा हो गया भारत माता की छवि के बारे में और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में हमने जान लिया। नाउ पॉइंट नंबर 50 पे आते हैं और पॉइंट नंबर 50 जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में है। तो ये पॉइंट नंबर 50 आपका आ जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को प्रस्तुत किया था, जिसको आप देख भी रहे हो, ये डायग्राम बने हुए आपके सामने राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे देख भी सकते हो कि भारत माता की छवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1905 के अंदर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता की एक विख्यात छवि या चित्र बनाया था। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है, जैसा आप देख सकते हो कि भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया, एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वो शांत है, गंभीर है, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई गई है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिखाए गए जो भारत माता का चित्र है उसकी क्या खासियत थी, तो आप बताओगे इस पेंटिंग में भारत माता की जो छवि है वो एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। वो शांत है, गंभीर है, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त है। इसके अलावा इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। यानी जब लोगों के सामने ये चित्र रख दिया गया तो लोग इसको एक भावात्मक रूप से जुड़ते चले गए। उनके लिए यही राष्ट्रवाद हो गया कि हमें इनकी रक्षा करनी है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा भारत माता की जय, आपने सुना है ना भारत माता की जय, क्योंकि हमने भारत को एक माता के रूप में प्रस्तुत किया कि ये हमारी जो भारत है वो एक माँ है। तो मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। नाउ अब एक पॉइंट और ऐड कर लेना इसमें, देखिए ये तो आपका 50 पॉइंट हो जाएगा जिसमें आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ा। इसमें 51 कर लेना कि भारत माता की जो छवि है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कब बनाया, तो 1905 में। यहां दर्शाए गए माँ की छवि में शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है, एक हाथ में माला है, उनके सन्यासिनी गुण को रेखांकित करती है। अगर आप चित्र को ध्यान से देखो तो एक हाथ में देखिए, एक हाथ में इनकी किताब है शिक्षा के लिए, ठीक है, एक हाथ में इनके माला है सन्यासिनी के लिए, एक हाथ में कपड़ा है, ठीक है, और एक हाथ में भोजन है। तो ये चारों हाथ में दिखाया गया कि भारत माता हमें भोजन देती है, क्योंकि हमें भारत की जमीन से ही कृषि होती है और उससे हमें भोजन मिलता है, यहां से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, यहां से हमें कपड़े मिलते हैं, और ये सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है भारत माता की छवि को, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था 1905 में। ये 51 पे लगा देना। नाउ अब आते हैं 52 पे, ठीक है, पॉइंट नंबर 52 है हमारा कि राष्ट्रवाद के विचार, राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में लोक कथाओं का क्या योगदान है। पहले समझिए लोक कथाएं क्या होती है। लोक कथाएं होती है लोगों द्वारा बोले जाने वाली कथा, जो लोकल लेवल पर कहानियां वगैरह होती है उनको लोक कथा कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवाद के विचार में लोक कथाओं का क्या योगदान था, आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रवाद के विकास में लोक कथाओं का क्या योगदान था, तो आप आंसर दोगे राष्ट्रवाद का जो राष्ट्रवाद का विचार है वो भारतीय लोक कथाओं को पुनः जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। यानी लोक कथाओं से भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई जाने वाली, भाटों और चारणों क्या होते हैं, लोकल पीपल होते हैं जो कि लोक कथाएं गाते हैं, भाटों और चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि लोक कथाओं का राष्ट्रवाद के निर्माण में क्या भूमिका रही, तो आप आंसर दोगे, पहला पॉइंट लिखोगे कि राष्ट्रवाद के विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन में मजबूत भूमिका उसकी। 19वीं सदी के आखिर में जो राष्ट्रवादी थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने भाटों और चारणों द्वारा जो गाई और सुनाई जाने वाली लोक कथाएं थी उनको दर्ज करना, उनको लिखना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था।
तो अब हमें पता लग गया कि लोक कथाओं से भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो सकती है, लोक कथाओं से भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो अपनी राष्ट्रवाद राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए, यानी हमारा जो अतीत यानी जो प्राचीन समय में बीता है उसमें जो हमारा गौरव था उसके अंदर भाव पैदा करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने के लिए लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। तो बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति भी लोक कथाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि लोक कथाओं से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की जा सकती थी। ऐसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नटेशा शास्त्री। तो यहां पर हमारा पॉइंट खत्म हो गया, ये भी एक एग्जाम्पल आएगा बट हम इसे अगला पॉइंट डाल देंगे। तो ये जो पॉइंट था वो हमारा 52 था। 52 में हमने ये जाना कि आखिर लोक कथाओं से, देखिए आपको मैंने पहले ही प्रॉमिस किया मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, टाइम लगेगा मेरे वीडियो में बट एक बार पढ़िए, कभी दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोक कथाओं से राष्ट्रवाद का विचार कैसे उत्पन्न हुआ? तो राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन में मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटोचार्य द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वो लोकगीतों व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घूमने लगे, अपने राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने, अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी था। खुद बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लोक कथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। तो खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे जो बड़े लोग थे वो भी लोक कथाओं से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि इससे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की जा सकती थी। ऐसे ही व्यक्ति थे जिनका नाम था नटेशा शास्त्री। ये आपका 52 पॉइंट हो जाएगा। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, नटेशा शास्त्री जी ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकल्प 4 खंडों में प्रकाशित किया, जैसे जिसे आप आजकल क्या बोलते हो, वेब सीरीज बोलते हो। तो ऐसे ही जो उस समय के, देखो आज के जमाने में वेब सीरीज का मतलब अलग है और उस समय में ऐसा कोई वर्ड होते नहीं थे, तो आप उस चीज को उस समय से कंपेयर कीजिए कि नटेशा शास्त्री जी ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का एक विशाल संकल्प 4 खंडों में प्रकाशित किया, यानी 4 वॉल्यूम बनाए गए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, जैसे आजकल मूवी वगैरह या वेब सीरीज वगैरह बनती है। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है या लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की विशेष विश्वसनीय अभिव्यक्ति है, यानी लोक कथाओं से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि लोक कथाएं जो होती है ना वो लोगों के असली विचार और विशिष्टताओं की विशेष विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। तो उन्होंने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से तमिल लोक कथाओं की 4 खंड प्रकाशित किए थे। तो ये पॉइंट नंबर 52 आ जाएगा। अब आ जाते हैं बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, ये हमारा 53 पॉइंट है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के बारे में। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। सबसे पहले याद रखिए जो झंडा तैयार किया गया था भारत के लिए वो था बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में तिरंगा झंडा। इसमें 3 कलर थे, हरा पीला लाल, ये तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों, जो ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत थे उसका प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। तो उस 8 कलर के अंदर जो तिरंगा बनाया गया था हरा पीला लाल में, उसमें एक कमल का फूल था। कमल के फूल के अंदर क्या थे, 8 फूल बनाए गए थे जो 8 प्रांतों को दिखाते थे। इसके अलावा हिंदू और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने वाले अर्धचंद्र यानी आधा चांद को भी दिखाया गया था 1921 में। अच्छा, यहां पे आपका खत्म हो जाता है बंगाल का स्वदेशी आंदोलन, जो कि पॉइंट नंबर 53 था। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो क्वेश्चन के रूप में बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लीजिए इसमें क्या पढ़ा आपने। आपने ये जाना बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के बारे में कि एक तिरंगा झंडा जो हरा पीला लाल से तैयार किया गया, इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को
कमल के आठ फूलों द्वारा और हिंदू और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करता अर्धचंद्र दर्शाया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, खुद गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया। इस ये भी तिरंगा था जिसमें सफेद हरा और लाल रंग था, इसके मध्य में गांधीवाद प्रतीक चरखा था, बीच में देखो तीन कलर थे और बीच में जो था वो चरखा था जिसे बाद में चक्र बना दिया गया। तो गांधीवाद के प्रतीक चरखे को भी जगह दी गई थी जो स्वावलंब का प्रतीक था। स्वावलंब होता है इंडिपेंडेंट, की चरखा जो था उस समय एक सिंबल था क्योंकि चरखे से आप क्या कर सकते हो, धागा बना सकते हो, और जब धागा बना सकते हो तो कपड़े बना सकते हो, उस कपड़े को आप बेच सकते हो जिससे आप स्वावलंब बनोगे। यानी चरखा जो था एक सिंबल था कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, इंडिपेंडेंट हो सकते हो चरखे से। तो स्वावलंब के रूप में बीच में चरखे को दिखाया गया था। तो इस पॉइंट को आपने समझ लिया, इस पॉइंट को आपने समझ लिया, बंगाल का स्वदेशी आंदोलन और गांधी जी द्वारा तैयार किया गया जो तिरंगा था। बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा तैयार किया गया था, हरा पीला लाल मिलाकर। इसमें ब्रिटिश के शासन के क्या थे, आठ प्रांत थे जिनको कमल के आठ फूल से दर्शाया गया था। हिंदू और मुसलमानों के लिए अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज झंडा तैयार किया, यह भी तिरंगा था, इसमें सफेद लाल और पीला हरा, सफेद हरा और लाल था, मध्य में इसमें चरखा था जो कि स्वावलंब यानी इंडिपेंडेंट का प्रतीक था। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 54 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 54 क्या है, तो इतिहास की पुनः व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन। अब इतिहास की अगर पुनः व्याख्या करें ना, हम अपने इतिहास को अगर जाने, अगर हम अपने हिस्ट्री को जाने, तो इससे भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। कहोगे वो कैसे, चलिए अब कई राजा महाराजाओं के नाम जब आते हैं ना, तो हम सबके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट की भावना उत्पन्न होती है। तो यही तो राष्ट्रवाद की भावना है जो हमें उत्पन्न कर देती है। आप बहुत सारे राजा के नाम जानते होंगे जो अक्सर टीवी वगैरह में आता है, और जब उनका नाम आता है तो हम सबके मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट आ जाती है। तो यही तो राष्ट्रवाद की भावना है। जैसे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मराठी राजा थे, बहुत अक्सर उनका नाम आता है टीवी पे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हम सबको पता होना चाहिए। एक बहुत बड़े मराठी राजा थे जिनका नाम अक्सर आता है, और जब भी उनका नाम आता है बहुत रिस्पेक्ट के साथ नाम लिया जाता है क्योंकि उन्होंने मुगलों के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और जीती भी। तो उनका नाम आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये राष्ट्रवाद की भावना है जिसके कारण हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इतिहास की व्याख्या करके भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा की जा सकती है। कैसे, आइए अब हम पढ़ते हैं इतिहास से राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न होती है। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये मानते थे कि हमारा जो इतिहास है ना वो गलत लिखा गया है। अगर हम अपने बच्चों को इतिहास को सही ढंग से पढ़ाएंगे तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। तो 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने उस गौरवशाली प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। अब जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने प्राचीन युग के समय, जो हमारा समय था जिसके कारण, जिसमें कला, वास्तु शिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला, व्यापार, इन सब हम बहुत आगे थे, इनके बारे में लिखना शुरू कर दिया। जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने भारत के पुराने जो वैज्ञानिक चीजें थी उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया, जो गणित की चीजें थी, खोज थी, उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया, धर्म के बारे में लिखना शुरू कर दिया, संस्कृति के बारे में लिखना शुरू कर दिया, पुराने कानून जो अच्छे कानून थे उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, आप कहोगे इससे क्या होगा, तो बच्चों इससे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जीरो की खोज किसने करी, भारत ने करी, भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो की खोज की थी। आप गूगल पर सर्च करके जरूर बताना कमेंट करके, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जीरो की खोज हमने करी, हमारे गणितज्ञ ने करी, बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने करी, उनका क्या नाम था, कमेंट करके जरूर बताना।
तो इससे क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई कि अच्छा हमारे हमारे मैंने क्या बोला हमारे गणितज्ञ ने, तो मेरे अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई ना कि हमारे गणितज्ञ ने, हमारे देश के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने करी, तो यही तो राष्ट्रवाद है। तो भारतीय जो इतिहासकार थे उन्होंने भारत के कला, वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म, संस्कृति, कानून, दर्शन, हस्तकला, व्यापार, इन सब के बारे में लिखना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया, यानी जब मुगल लोग आए, जब अंग्रेज लोग आए। सॉरी बच्चों, उनका कहना था कि इस महान युग का पतन का समय आया, जब मुगल आए और अंग्रेज आए, तो इन चीजों का पतन हो गया, भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया गया था। तो भारतीय इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को इस प्रकार से लिखा ताकि जो हमारे अतीत में भारत था उसकी महानता, उसकी उपलब्धियों पर हमें गर्व करना सिखाया, ताकि हमें अपने जो पुराने राजा महाराजा थे उन पर गर्व हो। तो क्योंकि हमारे अपने पूर्वज राजा महाराजाओं पर गर्व होगा तो हम आपस में जुड़ेंगे, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक गुस्सा उत्पन्न हो, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक गुस्सा उत्पन्न हो। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी तौर पर आपस में जुड़ेंगे नहीं, हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ेंगे कैसे? तो भारतीय इतिहासकारों ने पाठकों को अतीत में जो भारत की महानता थी, उपलब्धियां थी, उस पर गर्व करवाया, और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग, और हमसे कहा गया, इतिहासकारों ने कहा कि ब्रिटिश शासन ने इन सबको बर्बाद कर दिया, हमें अब मिलना है, मिलजुल कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ना है। तो ये आपको बताना है कि इतिहास से राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न होती है। ये जो पूरा पॉइंट आपने पढ़ा है बच्चों, इसमें आपने ये पढ़ा कि इतिहास से राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न होती है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं, अब बहुत लास्ट पे आ चुके हैं, निष्कर्ष पे आ चुके हैं। देखिए, ये मैं कहूंगा 55 पॉइंट है मेरा, एक तरह से 55 पॉइंट पे आता हूं। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा, अब अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया था। विभिन्न भारतीय समूहों, जो अलग अलग भारत के समूह थे और जो वर्ग थे, को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। अलग अलग समुदाय के लोग आपस में जुड़ते जा रहे थे, किसके खिलाफ? अंग्रेज के खिलाफ, क्योंकि ये सब परेशान हो चुके थे अंग्रेजों से। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों को असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। तो कांग्रेस ने इन सबको इकट्ठा किया, महात्मा गांधी जी की हेल्प ली, वो इनके लीडर बन गए। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, और गांधी जी ने क्या करा, इन सबको इकट्ठा करा और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। भले ही अंग्रेज गांधी जी ने बार, देखो गांधी जी को महानता क्यों कहते हैं, इनकी महानता किस बात से प्रूव होती है, आप इस चीज को समझिए। भले ही इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया बच्चों, लेकिन बार बार आंदोलन करने से अंग्रेजों के जो पैर थे ना, वो उखड़ गए थे। बार बार आंदोलन, कभी ये आंदोलन, कभी इधर आंदोलन, कभी उधर आंदोलन, कभी ये आंदोलन, तो परेशान हो गए अंग्रेज, कब तक आंदोलन झेलेंगे। तो इसलिए गांधी जी की महानता बहुत ज्यादा हमारे देश में माने जाते हैं, इसलिए राष्ट्रपिता हम लोग इनको बोलते हैं। नाउ भारत छोड़ो आंदोलन, ये हमारा 56 पॉइंट होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। मतलब कांग्रेस ने वर्धा में 14 जुलाई 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम था भारत छोड़ो, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण, जिसमें अंग्रेजों से कहा गया कि आप सत्ता मतलब पावर को भारतीयों को हस्तांतरित कर दो, तुरंत भारतीयों को दे दो, एवं भारत छोड़ने की मांग की गई, आप भारत छोड़कर चले जाओ। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया। अब अखिल भारतीय समिति ने भी इस बात को समर्थन दिया कि जी हाँ, अंग्रेजों अब आपको भारत छोड़ना पड़ेगा और सारी पावर जो है वो भारतीयों को दे दो, जिससे पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जनसंघर्ष का आह्वान किया गया, दोबारा एक आंदोलन छिड़ गया जिसका नाम पड़ गया भारत छोड़ो आंदोलन। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध
करो या मरो का भाषण दिया था और गांधी जी को पता लग गया था कि अब अंग्रेज या तो इस बार छोड़ के चले जाएंगे या फिर अगले 100 साल तक बैठ जाओ, ये नहीं जाने वाले। तो उन्होंने नारा दिया था करो या मरो, या तो इस बार इनको भगा दो या मरने के लिए तैयार रहो, तो करो या मरो, ठीक है। ये भाषण दिया था उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में। तो एक बार लास्ट बार आपको समझा देता हूं कि इस भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमने क्या जाना। भारत छोड़ो आंदोलन हमने जाना कि ये वर्धा में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा में 14 जुलाई, डेट याद रखना, 1942 में कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसका प्रस्ताव पारित किया। इसमें जो अंग्रेज थे उनको कहा गया कि आप भारतीयों को जो सत्ता है वो हस्तांतरित कर दो और भारत छोड़ने की मांग की गई, आप भारत छोड़ के चले जाओ। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसका समर्थन किया। पूरे देश में अहिंसक जनसंग्रह शुरू हो गया और गांधी जी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था करो या मरो का, ठीक है। यहां पर हम आ जाते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आप देखोगे कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। बीच में मुझे लगता है कि एक पॉइंट शायद मैंने छोड़ दिया, देखिए एक मिनट रुक जाना बच्चों, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग। 56 पॉइंट जब इतना पढ़ चुके हैं, इतनी देर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि कोई पॉइंट छूट ना गया हो। 56 पॉइंट कवर कर चुके हैं हम, मुझे लगा कि मैंने एक पॉइंट कहीं पे छोड़ा है। 56 पॉइंट के बाद एक पॉइंट, जी हाँ देखिए मिल गया मुझे 50। ये नारा किसने दिया था, ये 57 ऐड कर लेना अलग से, ये बच्चों के बोर्ड के पेपर में आ चुका है। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन, यौवन मतलब जवानी, निवेद के रूप में लाए हैं। ये भाषण, ये सेंटेंस किनके हैं, तो ये सेंटेंस है भगत सिंह जी के, ठीक है। तो ये आपका 57 पॉइंट हो जाएगा। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना जवानी निवेद के रूप में लाए हैं। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजा शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA की स्थापना की गई, याद रखोगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना की गई थी, कहां पे, तो दिल्ली में। कब, 1928 में फिरोजा शाह कोटला मैदान में। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किन्होंने फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। कब फेंका, 1929 में। आखिरकार भगत सिंह और उनके जो साथी थे बटुकेश्वर दत्त, इनको फांसी दे दी गई थी। और जब इनको फांसी चली थी, भगत सिंह जी जब फांसी पर चढ़े थे उस समय उनकी एज केवल 23 साल की थी, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट नंबर 57 आपने भगत सिंह के बारे में जाना। आप हेडिंग चाहो तो लिख सकते हो भगत सिंह, तो इसके लिए आपको भगत सिंह हेडिंग डालना है और ये सारी बातें समझ लेना है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया यहां पर कि ये वाला लाइन लिखोगे कि क्रांति की पूजा वेदी पर हम अपना यौवन निवेद के रूप में लाए हैं। 1928 में दिल्ली में फिरोजा शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई थी जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई। और 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंक दिया, तो भगत सिंह की जो फांसी चली थी तब वो केवल 23 साल के थे, ठीक है। तो काफी सारी बातें यहां समझ में आ गया, ये पॉइंट था 57। एक बार और चेक कर लेता हूं, एक बार रुक जाना बच्चों, जाने से पहले 57 के बाद कोई और पॉइंट देख लेते हैं। हाँ जी हाँ मिल गया, लिए मिल गया, बारदोली सत्याग्रह, बताओ कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था अभी, 58। बारदोली सत्याग्रह ये पूछा गया था पेपर में कि बारदोली सत्याग्रह, देखो नॉर्मल सत्याग्रह आंदोलन सबको पता है, बट बारदोली सत्याग्रह पेपर में आता है ना, तो कुछ ही लिमिटेड बच्चे जो आंसर दे पाते हैं। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जो भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के समक्ष नेतृत्व में किया गया, सफल रहा। तो ये बारदोली सत्याग्रह याद रखना, ये कहां कब हुआ था, 1928 में हुआ था, किनके नेतृत्व में हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ था। कहां हुआ था, तो गुजरात में बारदोली तालुका में हुआ था, ठीक है। तो क्यों हुआ था कि किसान आंदोलन था ये, जिसमें भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, पॉइंट नंबर 58। तो यहां पर हमारा बच्चों ये चैप्टर खत्म होता है। अब जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था
कि मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप देखिए हर क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। इसमें से कोई भी एक लौता क्वेश्चन आप ऐसा नहीं बता सकते जिसका आप आंसर नहीं दे सकते। देखिए व्याख्या कीजिए, क्या उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में बताया था उपनिवेशवादों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया, राष्ट्रवाद की उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो आपको बताया था कि बहुत सारे लोग जो थे वो आपस में परेशान हो चुके थे अंग्रेजों से, थी आपस में जुड़ गए, आपस में मिल गए अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसका आंसर मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और बाद में इसका आंसर पढ़ लेना, ये आपके नोट से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो मैंने पहले विश्व युद्ध का प्रभाव आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको पहले विश्व युद्ध का प्रभाव बताया था, मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देख लीजिए। इसे मैंने पहले विश्व युद्ध के बारे में बताया था आपको, तो ये पूरा पॉइंट आपको लिखना है, पहले विश्व युद्ध का क्या प्रभाव आया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। अगला क्वेश्चन, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया था कि जो राजनीतिक है, जो राजनीतिज्ञ है, जो नेता है, उन पर उनको कैद करके जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए बिना मुकदमा चलाए। तो रॉलेट एक्ट के बारे में आपको समझाया था, स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप शेयर कर लेना, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। ये पूरा आपके सब नोट से ही है, सब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो जब गांधी जी ने देखा कि हर तरफ हिंसा फैल रहा है, चोरी चोरा की घटना आपको याद है 1922 वाली, तो जब गांधी जी ने देखा कि हर तरफ हिंसा फैल रही है, चोरी चोरा की घटना हो गई, तो फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो मैंने आपको सत्याग्रह का परिभाषा बताई थी, सत्य के लिए आग्रह करना, मजबूर कर देना सामने वाले को ताकि वो सत्य को स्वीकार कर ले। तो मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं आपको, आप देख लीजिए सत्याग्रह के बारे में आपको क्या समझाया था। तो ये सत्याग्रह के बारे में आपको सारा लिखना है। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड देख लो, स्क्रीनशॉट में आपको दे रहा हूं, कितना अच्छे समझा, कितने सारे पॉइंट मैंने आपको समझाए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन गो बैक, याद कीजिए लाला लाजपत राय के बारे में समझाया था, साइमन कमीशन गो बैक के बारे में आपको समझाया था, गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको समझाया था। तो साइमन कमीशन के बारे में आपका हो चुका है। इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि, भारत माता की छवि इस अध्याय में कैसे दिया हुआ है, सन्यासी के रूप में जिनके 4 हाथ है, एक हाथ में किताब है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में भोजन है, एक हाथ में कपड़े हैं। ये अध्याय और अध्याय एक में जो जर्मेनिया था उसकी छवि में तुलना करना है। तो एक तरफ भारत माता की छवि की खासियत बता दो और एक तरफ जो जर्मेनिया बताया था चैप्टर 1 में उसकी खासियत बता दो, उन्होंने कौन सा मुकुट पहन रखा है, उसका क्या प्रतीक है, उसका सिंबल क्या है, कौन सी नदी की रक्षा कर रही है वगैरह। तो एक तरफ भारत माता की छवि और एक तरफ जर्मेनिया की छवि कंपेरिजन करना है। नाउ अगला क्वेश्चन आपके पास है, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाली सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। कौन कौन से सामाजिक समूह असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ था। तो मैंने आपको बताया था शहर की घटना अलग बताई थी, ग्रामीण घटना अलग बताई थी, उसके अलावा मैंने बाग के बारे में बताया था, बागान याद कीजिए बागान के बारे में बताया था। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 की चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखना। तो किन्हीं 3 के बारे में लिख लो, शहर के बारे में लिख लो, ग्रामीण के बारे में लिख लो और बागान के लोगों के बारे में लिख लो कि वो आंदोलन में क्यों शामिल हुए थे। ठीक है, ये सब हो चुका है ना, याद कीजिए असहयोग आंदोलन में सारा आपको समझाया था, शहर के लोग, गांव के लोग, बागान के लोग। नमक यात्रा की चर्चा कीजिए, तो नमक यात्रा पूरा स्टार्ट कर दीजिए शुरू से अंत तक। और उपनिवेशक के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक क्यों था। तो पूरा नमक यात्रा के बारे में जो आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं पढ़ लीजिए, पूरा नमक यात्रा के बारे में आप लिख दीजिए, नमक यात्रा के बारे में जो आपको बताया था वो सारा लिख दीजिए। कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफर्मी आंदोलन, यानी जो आपका सिविल नाफर्मी आंदोलन था उसमें आप हिस्सा लेने वाली महिला है, तो बताइए इस अनुभव का आपके जीवन पर क्या अर्थ होता है। तो आपके इस जीवन पर क्या होगा, आपको पहली बार मौका मिला था कि गांधी जी को सुनने का, घर से बाहर निकलने का, तो इसमें महिलाओं का मैंने आपको योगदान बताया था वो सारा आपको लिखना है। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचक के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, क्यों राजनीतिक नेता जो थे वो पृथक निर्वाचक, इसमें किस किस का आएगा, एक तो जो मुस्लिम लीग था उनके बारे में आएगा। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचक के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, एक तो मुस्लिम लीग के बारे में आएगा कि वो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक चाहते थे, और एक आएगा अंबेडकर जी के बारे में कि वो जो अछूत है या जिनको हम बोलते थे दलित पहले, उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे।
तो उनके बारे में, एक मुसलमानों के बारे में और एक जो अंबेडकर जी की जो घटना आपको बताई थी पार्टी का नाम, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो आप देख सकते हो कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चों जिसका आंसर नहीं दे पाओ। और मैंने यही प्रॉमिस किया था कि वीडियो खत्म होने के बाद आप हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, ऑब्जेक्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो, कैसा भी पेपर हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करना, क्योंकि यही वो लाइक है और यही वो आपके पॉजिटिव कमेंट है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपको और अच्छे से हिस्ट्री समझाऊं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। नमस्कार, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।